हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन इंग्लिश ग्रामर फॉर एसएससी एग्जाम्स आपके एसएससी का एग्जाम चूके आने वाला है उसके लिए हम लोग ये क्रैश कोर्स प्रिपेयर कर रहे हैं और इसमें हम लोग इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं हम उनको सभी को पढ़ रहे हैं कोर्स को प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं यानी कि अमन त्रिवेदी अगर आपने अभी तक कोर्स को सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप आरबीई एप्लीकेशन अभी पहले आप सबसे पहला काम तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए आप आरबीई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए वहां से आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं है, प्राइस बेयर मिनिमम है ओनली सिक्स हंड्रेड रुपीज प्राइस इज द प्राइस आप इतने प्राइस में पूरा कोर्स एक्सेस कर सकते हैं कंप्लीट ग्रामर इसमें कवर्ड है है आपका ठीक एंड फर्दर वीडियोस भी ऐड किए जा रहे हैं ग्रामर आपका पूरी तरीके से कवर्ड है सब कुछ इसमें कवर्ड हो चुका है एस एस सी सीजल टीयर वन टीयर टू के लिए सी एच एस एल का भी सारा इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है सीपीओ स्टैनो जी डी किसी भी आप अगर एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स आपकी मदद करने वाला है ठीक है सो so, इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं प्राइस आपके सामने है इसको परचेज करने के लिए आप आरबी एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कर लीजिए आप मेरे बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसके अलावा अगर आप आरबी एप्लीकेशन नहीं अगर आप क्रोम वगैरह से इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो आप www.rblearning.com इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां से आपको इस कोर्स की एक्सेस वहां से आपको इस कोर्स के आगे के वीडियोज मिल जाएंगे ठीक है आरबी अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाते हैं पीडीएफ मिल जाती है ठीक है कोर्स के वीडियोस आपको ऐप पर मिलेंगे अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं या इस जो वीडियो देख रहे हैं इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा इसमें आपको पेड क्लासेस में जाना पड़ेगा और यहाँ से आप इसमें जाएंगे व्यू डिटेल्स में

ठीक है इसके अलावा आप कुछ यहाँ से फिक्स्ड प्रिपोजिशन देख सकते हैं जैसे कि डिसक्वालीफाई के साथ फ्रॉम आता है होप ऑफ होता है कॉन्फिडेंट ऑफ होता है इंटेंट ऑन ऑन होता होता है है बेंट अपस्टेन फ्रॉम एल्कोहल होता है अपस्टेन के साथ भी फ्रॉम आता है और रिफ्रेन के साथ भी फ्रॉम आता है ठीक है रिफ्रेन आप कुछ कहने से करते हो अपस्टेन आप एल्कोहल वगैरह से करते हो डेजिस्ट फ्रॉम होता है हार्म इन एसिस्ट इन

ठीक है सो आगे बढ़ते हैं लेट्स डू द नेक्स्ट रूल हम इसी को क्वेश्चंस देखते हैं जैसे शी प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम स्मोकिंग तो प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम आता है और उसके साथ जीरंट आता है सो दैट्स करेक्ट ही इज डिजायरस टू बी अ डॉक्टर तो डिजायरस के साथ हमने क्या प्रिपोजिशन पढ़ा ऑफ तो डिजायरस ऑफ और उसके बाद जीरेंड आएगा तो बी की जगह क्या हो जाएगा बींग अ डॉक्टर ठीक है चलिए राइट नेक्स्ट आता है हमारा द गवर्नमेंट इज नॉट कैपेबल टू कंट्रोल द राइजिंग प्राइसेस तो कैपेबल के साथ भी ऑफ आता है तो टू कंट्रोल की जगह आएगा कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग टू करबिंग द स्प्रेड ऑफ वायलेंस तो टू के साथ इन्फिनेटिव आता है कर्बिंग की जगह आप क्या लिखोगे टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ वायलेंस अथॉरिटी ब्रॉड अंडरफ्यू मोर एरियाज इन द स्टेट वेयर थ्री यूथ ठीक है गवर्नमेंट हैज द ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू रेगुलेटिंग अब टू के साथ आपने अगेन यहां पर आई एनजी फॉर्म लिखा हुआ है आई एनजी फॉर्म नहीं होता है क्या होगा टू रेगुलेट ठीक है सो द गवर्नमेंट हैज द ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन द कंट्री ठीक है क्लीनलीनेस ड्राइव्स विल बी कंडक्टेड इन द वेरियस इन वेरियस लोकेलिटीज टू ओपनिंग लिखा हुआ है टू के साथ में ओपन लिखा है ओपनिंग नहीं ओपनिंग नहीं होगा क्या होता है है ओपन ओपन टू द अर्बनाइजेशन इन ठीक इसके अलावा जीरन का एक ये वाला रूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रूल नंबर सेवेंटीन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीरण का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इसको आप जरूर से ध्यान रखेंगे क्या रूल है आफ्टर फॉलोइंग वर्ब्स वी यूज जीरण इवन आफ्टर टू ठीक है अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिपोजिशन ऑफ या फॉर आ रही है तो आप उसके साथ ये आ आ रही है, आ रही है, है, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि आता है। लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनके साथ में टू लगा रहता है टू लग के आता है और इवन आफ्टर टू हम जीरण का यूज करते हैं ठीक है इनिशियली ये यूज हमें बहुत ही अटपटा लगता है मतलब अजीब लगता है लेकिन यह सही इस्तेमाल है इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा ये रूल जिसको मैं बताऊं बताऊंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यह वाकई में इंपॉर्टेंट है इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है क्वेश्चन है एडमिट टू एडमिट टू के साथ आई फॉर्म आएगा अवर्स टू अकस्टमड टू यह ध्यान रख लीजिए इस पे बेस्ड बहुत बार पूछा गया है बी यूज टू बी यूज टू का मतलब है बी का मतलब होता है इज एम आर अगर इज़ एम आर के साथ में यूज टू आ रहा है तो आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे ओइंग टू होता है अडिक्टेड टू होता है विद व्यू टू होता है डिवोटेड टू इन एडिशन टू ऑब्जेक्ट टू प्रोन टू लुक फॉरवर्ड टू गिवन टू टेक टू कंड्यूसिव टू एट्रा इन सब के साथ में आप जीरण का प्रयोग करते हैं दैट इज वर्ब आईएनजी फॉर्म ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इसको आप ध्यान रखेंगे लिखा है ही इज यूज टू वर्क इन दिस एटमोस्फियर तो यहां पर इज यूज टू आ रहा है अगर इज यूज टू आ रहा है तो इसके साथ क्या आएगा आई एन फॉर्म तो वर्क की जगह यहां क्या हो जाएगा वर्किंग ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन ही केम टू मी विद अ व्यू टू हेल्प हिम मी तो विद अ व्यू टू अगर आता है तो उसके साथ में क्या आता है जीरेंट तो विद अ व्यू टू के साथ क्या आएगा हेल्पिंग ठीक है सो ही केम टू मी विद अ व्यू टू हेल्पिंग मी यहां लिखा है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू आई एम लुकिंग फॉरवर्ड तो लुक फॉरवर्ड टू अगर लुक फॉरवर्ड टू का यूज होता है तो इसके साथ में क्या आता है जीरड तो हेयर की जगह क्या हो जाएगा हेयरिंग फ्रॉम यू आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू ही इज यूज टू वर्किंग इन दिस एटमोसफेयर तो इज यूज टू के साथ में आई एनजी फॉर्म आती है सो दैट्स करेक्ट ठीक है इसके अलावा कांट बियर कांट हेल्प कांट स्टैंड इनके साथ में भी आता है ठीक आई कांट बियर टू सी यू इन पेन आई कांट बियर सींग यू इन पेन ठीक सिमिलरली शी कु ध्यान रखिएगा ठीक है क्योंकि हेल्प के साथ हमें जनरली बियर इन्फिनेटिव की आदत होती है बट कांट हेल्प कुडेंट हेल्प के साथ जीरण आ जाएगा

पजेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं जिन्हें आप आज तक पजेसिव प्रनाउन बुलाते आए हैं जैसे आय का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माय ठीक है ही का पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज शी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है हर दियर का दे का पजेसिव एडजेक्टिव होता है दियर इट का पजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स ठीक है इसके अलावा यू का पजेसिव एडजेक्टिव होता है योर ठीक तो ये जो है हमारे ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं जिन्हें आप पजेसिव प्रनाउन जानते आए हैं क्यों होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव क्योंकि एडजेक्टिव की खास बात क्या होती है बच्चों एडजेक्टिव की खास बात ये होती है कि ये नाउन के आगे आता है नाउन को क्वालिफाई करता है ठीक है अगर नाउन के आगे कोई शब्द है तो वो एडजेक्टिव होगा और वो उसको क्वालिफाई कर रहा होगा तो ये आपके इनके साथ साथ में हमेशा नाउन आती है ठीक है और जीरण जो होता है जिसे आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म कह रहे हैं ये बेसिकली क्या है ये एक्चुअली नाउन वर्ब का काम करती है ठीक है इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं तो ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है इसलिए ये नाउन का, का काम करती है इसीलिए जहां जिरंड आएगा उसके पहले क्या आएगा उसके पहले एडजेक्टिव आएगा यानी पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा ठीक है ध्यान रखिएगा इसको तो अगर लिखा है आई डोंट लाइक यू टॉकिंग टू हर तो टॉकिंग तो क्या है बच्चों टॉकिंग है जिरंड तो उसके पहले केस आएगा तो आई डोंट लाइक योर टॉकिंग टू हर हो जाएगा ठीक ही इंसिस्टेड ऑन राधा सिंगिंग विद हिम तो सिंगिंग क्या है आपका जीरण है जीरंड से पहले क्या आएगा केस तो राधा सिंगिंग विद हिम हो जाएगा ठीक है आई एम सरप्राइज एट माई बैटिंग बींग तो बैटिंग क्या है आपका जीरण है तो उसके पहले माई यहां करेक्ट हो जाएगा there is no possibility of the storms coming again तो coming यहां gerund है लेकिन storm coming again होगा storms नहीं आएगा जरूरत होगी वहीं पर possessive एडजेक्टिव लगाएंगे अदरवाइज नहीं लगाएंगे ठीक है storm का possessive केस बनाने की कोई जरूरत नहीं थी ठीक अगेन जो अब ये रूल हम पढ़ने जा रहे हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार पूछा गया है और पूछा ही जाता है कंटीन्यूअसली ठीक है जितने भी रूल्स मैं आपको यहां करा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब उन पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं ठीक है इसीलिए ये सिर्फ कंपाइलेशन है हंड्रेड रूल्स का पूरा इसमें आपको मैं आ, कथा नहीं सुना रहा हूं यानी पूरी मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं बट जितनी कहानी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए वो हम यहां पर देख रहे हैं ठीक तो ध्यान दीजिए कि अगर आपका ये सब छोड़ दो ध्यान दो क्या ध्यान देना है उसकी बात समझो देखो अगर इस तरीके का क्वेश्चन लिखा जाता है कि स्विचिंग ऑन द फैन आई सैट अंडर इट टू रिफ्रेश माई सेल्फ ठीक है। तो अगर सेंटेंस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से शुरू हो रहा है तो बेसिकली ये क्या है पार्टिसिपल है। अगर इससे सेंटेंस शुरू हो रहा है तो आप सिर्फ इतना स्विचिंग ऑन द फैन आई सेल्फ ठीक है fan, थोड़ी देर के लिए इसको गायब मान लो ये नहीं लिखा हुआ है ठीक है अब मुझे ये बताओ कि फैन किसने स्विच ऑन किया फैन का स्विच किसने ऑन किया बताइए ये फैन का स्विच किसने ऑन किया? किया मुझे बताइए सो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमें नहीं पता लग रहा कि यह फैन किसने ऑन किया है इस अगर सिर्फ इतना हम सेंटेंस पढ़े तो नहीं पता लगता है तो इसीलिए ये सेंटेंस दो भाग में है ठीक है अब इसमें इस वाले हिस्से को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या क्या है है होता हमारा सब्जेक्ट वो माना जाएगा जो यहां पर पहला शब्द होगा जो भी पहला शब्द होगा वही सब्जेक्ट माना जाएगा तो यहां क्या लिखा हुआ है आय तो हमने क्या मान लिया कि आय स्विचिंग ऑन द फैन सैट अंडर द अंडर इट टू रिफ्रेश माई सेल्फ यानी कि मैंने फैन ऑन किया और मैं फैन के अंदर नीचे बैठ गया तो सेंस हमारा ठीक आ रहा है ठीक है अब ये एक्सरसाइज आपको हमेशा करनी है जब भी सेंटेंस एक पार्टिसिपल से शुरू हो रहा है चाहे वो आईएनजी फॉर्म हो चाहे वो हैविंग हो हो चाहे बीइंग अब यहां देखो कह रहा है हैविंग रीच्ड दिल्ली आई इनफॉर्म्ड माय पेरेंट्स तो यहां पर हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा हमें तो हमने क्या किया आई को यहां सब्जेक्ट मान लिया तो हमने लिखा आई हैविंग रीच्ड दिल्ली आई इनफॉर्म्ड माय पेरेंट्स यानी कि सेंस हमारा ठीक आ रहा है यानी कि सेंटेंस ठीक लिखा हुआ है राइट सिमिलरली हमने पढ़ा बींग इरिटेटेड विद टू मच वर्क लोड ही लेफ्ट द जॉब यानी कि जॉब किसने छोड़ी इसने तो इसी को हम यहां लगा लें लेरिटेटेड विद टू मच वर्क ही वह काम से बहुत परेशान हो गया और उसने नौकरी छोड़ दी ठीक आ रहा है सेंस यानी कि यह भी सही है कह रहा है फाइंडिंग द बॉस स्टैंडिंग बिहाइंड हिम फाइंडिंग सब्जेक्ट पार्टिसिपल हो गया हमारा ऑल द एम्प्लॉइज स्टिल बिकॉज अर्लियर एवरीबडी वॉज टॉकिंग तो बॉस को पीछे खड़ा देखकर कर बाकी सारे एम्प्लॉय एकदम शांत हो गए क्योंकि पहले सब लोग बात कर रहे थे अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या बन रहा है ऑल द यानी कि ऑल द फाइंडिंग द बॉस स्टैंडिंग बिहाइंड यानी कि सभी एम्प्लॉयज ने ही बॉस को पीछे खड़ा देखा करेक्ट है और सब शांत हो गए तो यहां पे भी सेंस हमारा ठीक आ रहा है सेंस सेंटेंस सही है यहां कहता है आफ्टर फिनिशिंग होमवर्क आई वेंट टू प्ले तो सब्जेक्ट हमारा यहां क्या आई

every everyone mocked at him ab तो subject ho gaya hamara everyone everyone being poor and credulous everyone mocked at him बात नहीं जम रही है क्योंकि मॉक करना मॉक करना मतलब मजाक उड़ाना तो वह ये जो है गरीब होगा और इसीलिए सब लोग इसका मजाक उड़ा रहे होंगे तो इसलिए हमने यहाँ ही लगाया तब हमारा सेंटेंस का जो है सेंस आता है ठीक है अभी और एग्जांपल देखेंगे समझ में आ जाएगा और अच्छे से कह रहा आफ्टर टॉकिंग टू ओबामा मोदी विल रिटर्न इंडिया तो मोदी सब्जेक्ट हो जाएगा मोदी आफ्टर टॉकिंग टू ओबामा मोदी विल रिटर्न इंडिया करेक्ट है ठीक है नाउ कह रहा है कि वाचिंग टेलीविजन समबडी केम टू मीट मी सब्जेक्ट हमारा यहां पे क्या हो जाएगा समबडी अब क्या लिख जाएगा समबडी वाचिंग टेलीविजन समबडी केम टू मीट मी मतलब हो गया कि समबडी यानी कोई एक व्यक्ति था जो टेलीविजन देख रहा था ठीक है और कोई एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया तो बात जम रही है

और मीनिंग भी सही आ जाता है राइट इसी क्वेश्चन में कहता है कि सिटिंग ऑन द चेयर अ बॉल हिट हिम सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया अ बॉल क्योंकि यहां पर कोई नहीं सब्जेक्ट है तो अ बॉल सिटिंग ऑन द चेयर अ बॉल हिट हिम यानी कि जो बॉल थी वो चेयर पे बैठी हुई थी और बॉल ने ही उसको मार दिया अगेन बात नहीं जमती है ठीक है तो सही क्या होगा वाइल ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर अ बॉल हिट हिम ठीक है वाइल ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर अ बॉल ठीक है या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि कि हम हम इस सेंटेंस को पैसिव पैसिव में में बना बना जैसा कर दिया क्योंकि अगर हम इसे में बना देंगे तो फिर हमारा सब्जेक्ट आगे पीछे हो जाएगा अब इसको हमने पैसिव में बना दिया तो हो गया He was hit by a ball. अब हमारा सब्जेक्ट ठीक आ जाता है, है तो करेक्ट इसको ध्यान तो हैविंग ब्रेकफास्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है माई मदर टोल्ड मी टू प्ले सब्जेक्ट हो गया माई मदर यानी माई ब्रेकफास्ट माई मदर टोल्ड मी टू प्ले माँ ने खुद ब्रेकफास्ट किया और माँ ने मुझसे कहा तुम खेलने जाओ ऐसा नहीं होगा जब मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया तब माँ ने कहा कि तुम खेलने जाओ यही होगा इसलिए क्या होगा वेन आई हैविंग टेकन माई ब्रेकफास्ट इसको आप पैसिव में कर दो तो क्या हो जाएगा आई वॉज टोल्ड बाई माई मदर टू गो टू प्ले

तो यहां लगेगा इट बींग रेनी डे आई डिड नॉट गो टू ऑफिस ठीक है चलो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एज इट अ रेनी डे ही डिड नॉट गो टू ऑफिस ठीक है अगला देखो कह रहा है इनोसेंट द जज डिड ही नॉट पनिश हिम सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया द जज तो जज इनोसेंट है और जज ने उसे पनिश नहीं किया है ऐसा नहीं हो सकता ना तो इसके दो तरीके हैं करने के कि हम या तो यहां ही लगाते हैं कि ही बी ही बींग इनोसेंट द जज डिज नॉट पनिशिंग या तो ऐसे कर लो या फिर हम ये कर सकते हैं बींग इनोसेंट बींग नॉट पनिश्ड बाय द जज तो अब यहां सब्जेक्ट हमारा ठीक आ जाता है ठीक है तो चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए ही बींग इनोसेंट ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं एज ही वॉज इनोसेंट द जज इज नॉट पनिशिंग ठीक है नेक्स्ट कह रहा है ऑप्टेनिंग दाइएस्ट मार्क्स द प्रिंसिपल प्रिंसिंग किया नहीं मार्क्स मैंने प्रिंसिपल ने एडमायर नहीं किया होगा तो क्या होगा वाइल आई अटेंड दाइएस्ट मार्क्स या अटेंड हाइएस्ट मार्क्स यहां पर आ जाएगा दो आई ऑपटे द हाइएस्ट मार्क्स प्रिंसिपल डिड नॉट एडमायर मी ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप सिंपली लिख दो। दो, या फिर आप आप ऐसे कर तो आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपको सब्जेक्ट ठीक करना है चाहे आप कैसे भी करो ठीक है क्लियर आज समझ में आ गई चल शॉक एट द न्यूज ही कंसोल्ड मी सब्जेक्ट हमारा क्या हो रहा है यहाँ

सही हो जाएगा बींग द बेस्ट स्टूडेंट स्टूडेंट इन क्लास गोपाल वॉज चोजन टू पार्टिसिपेट रेनी डे मोस्ट ऑफ दिक्कत नहीं है तो यानी कि सब्जेक्ट हो गया हमारा वी हम शहर में नए नए आए हैं और हमने नेबर्स की विजिट किया तो ये भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है नो एर हो जाएगा ठीक है चलिए Now let's come to the next rule. Vary and match are confused before participle as well. Very much का इस्तेमाल participle के पहले भी किया जाता है कैसे वैरी का इस्तेमाल हम present participle यानी verb की ing form फॉर्म से पहले करते हैं और मच का इस्तेमाल पास्ट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले करते हैं ठीक तो है जैसे मच इंटरेस्टिंग तो इंटरेस्टिंग है फॉर्म है तो मच इंटरेस्टिंग नहीं सही होगा वेरी इंटरेस्टिंग मच कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग है तो वर्ब की इंटरेस्टेड तो सही सही क्या है थर्ड फॉर्म तो वेरी तो तो नहीं आता क्या आएगा मच इंटरेस्टेड ठीक है वेरी कंफ्यूज्ड नहीं होता है मच कंफ्यूज्ड होता है ठीक है ध्यान दीजिए ये हम लोग गलत बोलते हैं वेरी कन्फ्यूज राइट नाउ नहीं मच कन्फ्यूज रखना होगा अब इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि वेरी के साथ में भी वर्ब थर्ड चल जाती हैं जैसे वेरी लिमिटेड सही है वेरी प्लीज बोला जाता है वेरी फ्राइटेंड बोला जाता है वेरी ड्रंक बोला जाता है वेरी बोर्ड बोला जाता है वेरी टायर्ड भी बोला जाता है वेरी कंटेंटेड बोला जाता है कंटेंट मतलब संतुष्ट होना वेरी डिलाइटेड भी बोला जाता है वेरी शॉक्ड बोला जाता है वेरी डिजेक्टेड भी होता है ठीक है तो ये आपके कुछ एक्सेप्शन है इन्हें आप जरूर ध्यान रखेंगे वेरी सरप्राइज भी होता है ठीक है इनको आप जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन एक्सेप्शन से पूछा जाएगा तो पेपर टफ बनेगा तो पेपर अगर अच्छा आएगा तो आप एक्सेप्शन से क्वेश्चन आ सकता है नाउ कमिंग टू द रूल नंबर ट्वेंटी वन देट इज वर्ब ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये भी वेन देर आर टू सब्जेक्ट्स इन सेंटेंस दे आर नॉट इन सेम नंबर एंड दे आर नॉट इन सेम नंबर वी मस्ट हैव सेपरेट फॉर बोथ ऑफ देम ठीक है अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं सेंटेंस में और उनकी जो नंबर है वो सेम नहीं है तो हमें सब उनके लिए अलग अलग लिए लगानी पड़ेंगी जैसे कह रहा है in तो अब किल्ड मतलब आप कहना क्या चाहते हो यहां पर मारे गए राइट right? मारे गए यानी कि सेंटेंस किसमें लिखा हुआ है ये थ्री किल्ड यानी कि तीन मारे गए यानी कि एक्शन कोई और परफॉर्म कर रहा है यानी कि सेंटेंस हमारा पैसिव में है ठीक है तो इसलिए यहां पर थ्री के साथ में अलग हेल्पिंग वर्ब आएगी और वन के साथ में अलग आएगी क्योंकि थ्री प्लूरल है हमारा तो क्या होगा थ्री वर किल्ड एंड वन वाज इंजर्ड इन द टेररिस्ट अटैक ठीक है क्योंकि थ्री के साथ वर आएगा एंड वन के साथ वॉज आएगा करेक्ट टेन कैंडिडेट्स हैव पास्ड वन फेल्ड तो टेन कैंडिडेट्स प्लूरल है तो उसके लिए हैव करेक्ट है लेकिन के के लिए है, one के लिए हैव नहीं करेक्ट है है क्या लगाना पड़ेगा हमें कैंडिडेट्स ठीक वर्ब शुड बी मेड टू सर्व टू सब्जेक्ट्स ओनली वेन द फॉर्म ऑफ वर्ब इज सेम फॉर बोथ सब्जेक्ट्स ठीक है अगर जैसे क्वेश्चन देखो समझ में आएगा कह रहा है आई एम सेवनटीन ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर्स सिस्टर फिफ्टीन तो अब ये देख लो यहाँ पर कि आई के साथ यहाँ क्या लगा हुआ है एम और माय सिस्टर के साथ में हमने कोई वर्ब नहीं लगाई है तो आई के साथ एम आएगा लेकिन माय सिस्टर के साथ एम नहीं आएगा क्या आएगा माय सिस्टर इज 15 आएगा ठीक है तो हमें अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी कह रहा है ही हैज नेवर एंड कैन नेवर प्ले दिस काइंड ऑफ शॉट तो अब देखो यहां मेन वर्ब क्या है प्ले ठीक है हैज के साथ में क्या आता है वर्ब थर्ड तो यहां क्या आना चाहिए ही हैज नेवर प्लेड और कैन के साथ में वर्ब फर्स्ट आता है तो ये करेक्ट है तो हमें यहां करेक्शन करना पड़ेगा ही हैज नेवर प्लेड एंड कैन नेवर प्ले दिस काइंड ऑफ शॉट कह रहा है दे आर एंड हैव कॉल्ड माइड मेनी प्लेयर्स फॉर दिस मैच तो हैव के साथ में वर्ब थर्ड करेक्ट है लेकिन आर के साथ वर्ब थर्ड तो नहीं करेक्ट है आर के साथ क्या होगा दे आर कॉलिंग

एंड विल नेवर टेक सच अ स्ट्रॉग मेजर ठीक है नाउ कमिंग टू द रूल नंबर ट्वेंटी थ्री दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉट कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके किसी हैबिट किसी रूटीन एक्शन किसी कस्टम किसी प्रैक्टिस किसी रिपीटेड एक्शन और परमानेंट एक्टिविटी को ही एक्सप्रेस करता है अगर आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एडवर्ब आ रही है ऑफ एन सेल्डम यूजली नेवर ओकेजनली समटाइम्स नॉर्मली जनरली ऑलवेज फ्रिक्वेंटली रेयरली डेली एवरी मॉर्निंग एवरी नाइट ऑफ एंड ऑन अगर इस तरीके की कोई भी एडवर्ब आपके सेंटेंस में आ रही है तो आप उस सेंटेंस को प्रेजेंट इनडेफिनिट में एक्सप्रेस करेंगे ठीक है बशर्ते वो कोई एक हैबिट कोई रूटीन एक्शन कस्टम प्रैक्टिस या किसी ऐसे काम को बता रहे हो जो हमेशा एक जैसा रहता हो दैट रिमेन्स सेम ऑलवेज ठीक है जैसे क्राइज हमेशा रोती तो दैट इज वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमेशा सेम रहने वाला है ठीक है तो ऐसी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करते हैं जैसे अब लिखा है ही इज ऑलवेज गोइंग फॉर अ वॉक ये गलत होगा इज नहीं आएगा यहां ही ऑलवेज गोज फॉर अ वॉक करेक्ट होगा ठीक है ही ऑलवेज गोज फॉर अ वॉक करेक्ट होगा बारि इज ऑफ telling टेलिंग childhood स्टोरीज तो ऑफ एन अगर आप लिख रहे हो तो ऑफ एन नहीं होगा ऑफ एन अगर आप लिख रहे हो दैट मीन सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा तो इज नहीं आएगा क्या होगा ऑफ tells टेल्स हिज stories स्टोरीज ठीक है दे ओल्ड द ओल्ड अंकल ंग फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग जाते हैं रोज जाते हैं मतलब क्या है, habit है. और अगर हैबिट है तो इज गोइंग की जगह आ जाएगा गोज ठीक है दोस फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग रॉबिन इज यूजली बिलीविंग एवरीबडी यूजली है और बिलीव है <coughs> तो इज नहीं आएगा क्या आएगा बिलीव आ जाएगा ठीक है अर्नब इज ऑफ इन गेटिंग लेट फॉर हिस्स शो ऑफेन आ रहा है तो इज नहीं आएगा क्या आएगा गेट्स हो जाएगा ऑलवेज आ रहा है नहीं इज ऑलवेज रूनिंग ओल्ड सॉन्ग तो इज नहीं आएगा क्या आएगा रूम्स एंड ओल्ड सॉन्ग आ जाएगा उर्वशी इज ऑलवेज पोस्टिंग सम नॉन सेंस ऑलवेज है तो इज नहीं आएगा क्या आएगा पोस्ट आ जाएगा ठीक है सो ये ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं अगर आप यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करेंगे अगर आप प्रेजेंट कोई यूनिवर्सल ट्रूथ कोई साइंटिफिक फैक्ट मैथमेटिकल फैक्ट फिलोसॉफिकल फैक्ट साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रहे हैं तो भी उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही एक्सप्रेस करेंगे ठीक है जैसे कि वाटर इज फ्रीजिंग एट जीरो सेंटीग्रेड तो ये क्या है साइंटिफिक फैक्ट है कि वाटर जीरो डिग्री पे जमता है तो इस फ्रीजिंग की जगह क्या होगा वाटर फ्रीजेज एट जीरो सेंटीग्रेड होगा लिखा है द अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग टू डाउनवर्ड्स तो ये क्या है फैक्ट है साइंटिफिक फैक्ट है अर्थ पुल करता है पुलिंग नहीं अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स ठीक है नेक्स्ट कह रहा है तो है 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 टू लाइंस नेवर नेवर इंटरसेक्ट अदर तो तो फैक्ट ये करेक्ट हमारा ठीक है ये आपको पता होगा प्लूरल अगर सब्जेक्ट है हमारा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और अगर निगेटिव होगा तो डू आएगा और अगर सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस एस -E आएगा और निगेटिव होगा तो डज आएगा ठीक है डेथ कम्स टू ऑल प्रेजेंट इन डेफिनेट में एक्सप्रेस होगा ठीक है चलिए <coughs> कुछ क्वेश्चन देखते हैं जैसे ट्रेन ऑन दिस आर रूट ऑन ट्रेन डैश ऑन दिस रूट एवरी आर ठीक है तो यानी कि एवरी आर है रूटीन है रूटीन अगर है तो क्या हो जाएगा ट्रेन रन हो जाएगा फ्लूरल है तो वो फर्स्ट ठीक नेक्स्ट एप्पल्स डैश राइप इन ऑटम तो राइप इन ऑटम एप्पल्स अब ये क्या है ऑटम के सीजन में एप्पल्स पकते हैं तो यानी कि फैक्ट फैक्ट है तो गेट ठीक है प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थ अर्थ डैश द सन सन यानी कि के चारों तरफ घूमती है क्या है फैक्ट है अगर फैक्ट है तो क्या होगा अर्थ सिंगुलर है तो एस आई एस आ जाएगा तो इट विल बी रिवॉल्व द सन ठीक द लास्ट मेट्रो नॉर्मली डैश एट मिड नाइट तो नॉर्मली यानी कि आप एक रूटीन बताना चाह रहे हो रूटीन बताना चाह रहे हो तो क्या होगा लास्ट मेट्रो सिंगुलर है तो वर्ब के साथ ऐसे लग जाएगा इट विल बी लीव एट मिड नाइट ही डैश एट ए डेली क्या है डेली लग रहा है यानी हैबिट है अगर हैबिट है तो क्या होगा ही वेक्स डेली ठीक है टू एंड टू इज मेकिंग फोर टू एंड टू फैक्ट है मैथमेटिकल फैक्ट है तो इज मेकिंग की जगह मेक्स फोर हो जाएगा ध्यान रखिएगा टू एंड टू मेक्स फोर इसके साथ में मेक्स फोर भी करेक्ट है और मेक फोर भी करेक्ट है दोनों ही करेक्ट है ने दोनों को करेक्ट मारा है बाइकर्स आर नॉट हेलमेट माराटूजली क्या है आप एक फैक्ट बता रहे हो तो यूजअली अगर आ रहा है तो आर नॉट नहीं आएगा यूजअली वीअर हेलमेट तो ठीक है बाइकर्स प्लुरल है तो इसके साथ आ जाएगा डू नॉट यूजली वीयर हेलमेट आई आर डूइंग डूंगाई पर्सनल वर्क डेली डेली तो लिख रहे हो आप ये नहीं है? आपकी रूटीन है तो आर नहीं होगा आई वर्क की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा आई डू माई पर्सनल वर्क डेली लिखा है दे आर नेवर कॉलिंग अस ठीक है तो नेवर अगर आ रहा है तो आप एक उनकी हैबिट बताना चाह रहे हो हैबिट बताना चाह रहे हो तो आर नहीं होगा नेवर की जगह नेवर रहेगा दे प्लूरल है तो यहां आ जाएगा कॉल दे अस वाय आर यू गोइंग देयर डेली डेली अगर आप लिख रहे हो तो आप उसकी हैबिट बता रहे हो तो आर की जगह यहां आएगा डू यू गोइंग की जगह आ जाएगा गो डेली ठीक है इसके अलावा ये वाला रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड क्या कि ये जो हमारी वर्ब्स हैं जैसे कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस वर्ब्स शोइंग पोजेशन वर्ब एक्सप्रेशन फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड एंड वर्ब्स इन जनरल इनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक्सप्रेस नहीं करते हैं किस में एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट टेंस में इन्हें हम क्या कहते हैं स्टेटिव वर्ब कहते हैं या इन्हें नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स कहते हैं ठीक है इन्हें आप प्रेजेंट इनडेफिनिट में ही एक्सप्रेस करेंगे ठीक है ध्यान रखिएगा ठीक है जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या है जैसे कि सी टेस्ट स्मेल हेयर प्रिफर प्लीज ठीक है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस जैसे कि थिंक नो मीन माइंड वर्ग ऑफ सोइंग पजेशन ओन हैव बिलोंग हैंगज पजेज कंटेन ठीक है वर्ब्स ऑफ एक्सप्रेशन फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड बिलीव लाइक लव वांट विश डिजायर हेट और कुछ और वर्ब जैसे कि लुक सीम अपियर एफेक्ट रिजेंबल कॉस्ट रिक्वायर स्टैंड फेस बिकम ये सब क्या है आपकी स्टेटिव वर्ब्स हैं इन्हें नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कहते हैं इनके साथ में आप प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही इस्तेमाल करेंगे ठीक है देखिए, ही इज ओनिंग अ कार ठीक ही इज ओनिंग कार तो यहां पर क्या हो जाएगा ओन क्या है आपका स्टेटिव वर्ब है तो ही इज ओनिंग अ कार गलत होगा सही क्या होगा ही ओनस अ कार वी आर हेयरिंग द बेल हेयर क्या है आपका वर्ब ऑफ परसेप्शन में आ जाएगा ये तो हेयर आपका स्टेटिव वर्ब है तो ये आर हेयरिंग कहना गलत है सही क्या होगा वी हेर द बेल द हाउस इज बिलोंगिंग टू मी बिलोंग क्या है वर्ब्स ऑफ है stative verb है stative verb है है स्टेटिव स्टेटिव वर्ब वर्ब तो इज बिलोंगिंग कहना गलत इट विल बी दिस हाउस बिलोंग्स टू मी हो जाएगा ठीक आई एम नॉट हेटिंग हिम तो हेट क्या है आपका वर्ब ऑफ परसेप्शन ठीक है तो uh, क्या हो जाएगा इसके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट in में ही बनेगा नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है तो आई डू नॉट हेट हिम हो जाएगा आर यू फॉरगेटिंग माय नेम तो फॉरगेट क्या है ठीक है स्टेटिव वर्ब है तो इट विल बी डू यू फॉरगेट माय नेम या हैव यू फॉरगॉटन माय नेम ध्यान दीजिए कि जो स्टेटिव वर्ब्स हैं उन्हें हम कंटीन्यूअस टेंस में नहीं बना सकते हैं ठीक है इन्हें हम जनरली इंडेफिनिट में बनाएंगे और अगर वहां पर इंडेफिनिट टेंस सुटेबल नहीं होगा तो हम उसे परफेक्ट टेंस में बनाएंगे जैसे यहां पर तो आर यू फॉर्गेटिक नेम तो इसकी जगह आ जाएगा हैव यू फॉरगोर्टेन नेम ये भी सही है आप लिख सकते हो डू यू फॉरगेट नेम ये भी ठीक है दोनों ही सही है ठीक है चलिए नाउ पास्ट इनडेफिनिट टेंस ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए ये समझने के लिए कि पास्ट का सिंगल इवेंट सिंगल इवेंट ऑफ पास्ट विच कम विच वॉज कंप्लीटेड इन पास्ट उसे हम हमेशा पास्ट इनडेफिनिट टेंस में एक्सप्रेस करेंगे फिर से मैं बताता हूँ पास्ट का एक इवेंट पास्ट की एक घटना पास्ट की एक घटना को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से एक्सप्रेस करते हैं ठीक है पास्ट की एक घटना को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से एक्सप्रेस करते हैं ठीक अगर पास्ट की एक से ज्यादा घटनाएं हैं तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेस करते हैं लेकिन सिंगल इवेंट ऑफ पास्ट विल बी एक्सप्रस्ड बाय पास्ट इंडेफिनिट टेंस ठीक है नाउ अगर सिंगल इवेंट की बात कर रहे हो तो उसमें हमें पता लगना चाहिए कि ये पास्ट का है कैसे पता लगेगा कुछ एडवर्ब्स आएंगे कैसे अगर आपका सिंस लिखा है अगर कहीं पर सिंस सिंस आ रहा है, तो के बाद वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होगा ठीक एवर सिंस अर्लियर अगो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कहीं भी अगो दिख जाए आप उसे पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे बैक बिफोर लास्ट यस्टरडे द अदर डे लास्ट संडे लास्ट वीक लास्ट मंथ एक्सेट्रा ठीक शी बॉट इयर्स अगो अगो आ रहा है तो आप इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर अगर निगेटिव है तो डिड के साथ में वर्ब फर्स्ट ठीक द स्ट्रीमर सेल्ड लास्ट ईयर लास्ट ईयर आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट

ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तब आता है अगर प्रेजेंट अगर कोई सेंटेंस है जिसमें एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो उसे हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे मेरी बात ध्यान से समझिए कंफ्यूजन होगा अगर कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई ऐसी एडवर्ब आ रही है जो कि हमें पास्ट टाइम का बोध करा रही है तो उसे हम किसे बन किस में बनाएंगे सिंपल पास्ट में समझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर मान लो उसमें कोई पास्ट टाइम की एडवर्ब लिख दी है तो उसे हम किस में बनाएंगे सिंपल पास्ट से ठीक यहां लिखा है आई केम हियर लास्ट संडे लास्ट संडे अगर आ रहा है तो पास्ट इनडेफिनेट आई वेंट टू डेली यस्टरडे यस्टरडे अगर आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनेट इन्वाइटेड मी टू डे अगो अगो अगर आ रहा है तो पास्ट इनडेफिनेट ठीक है ठीक। इसके अलावा कई बार समटाइम्स दिस टेंस इज यूज्ड विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम कई बार एडवर्ब ऑफ टाइम के बिना भी आता है इन सच केसेस टाइम में भी इधर इंप्लाइड और इंडिकेटेड बाय द कॉन्टेक्स्ट जैसे आई लर्न इंग्लिश इन माय स्कूल इन माय स्कूल मतलब मैं पास्ट की बात कर रहा हूं

पास्ट का रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन होता है ठीक है जैसे देखो ऐसे टाइमलाइन समझो अगर ये पास्ट है अगर ये प्रेजेंट है और अगर ये फ्यूचर है तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है जब प्रेजेंट से जस्ट पहले कोई काम खत्म हुआ है पास्ट इंडेफिनिट कब आता है अगर ये पास्ट है अगर ये प्रेजेंट है और अगर ये फ्यूचर है तो यहाँ पे पास्ट में ही एक्शन ख़त्म हो चुका होता है ठीक है पास्ट का स्पेसिफिक टाइम हमें दिया होगा

रवि पेड द बिल ऑलरेडी तो ऑलरेडी अगर आ रहा है यानी कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा तो रवि हैज पेड़ द बिल ऑलरेडी यहां देखिए आई सीन हिम अगर आ रहा है तो पास्ट का समय दे दिया हमें मतलब पास्ट इनडेफिनिट तो हैव नहीं क्या आएगा आई सो हिम यस्टरडे होगा आई हैव सीन नी आई सो हिम ये शी डिड नॉट विजिट द टेम्पल सो फार

आई हैवेंट सीन आई है साथ यहाँ हैव नहीं आएगा पास्ट इंडेफिनिट दिस कंपनी तो आपको क्या ध्यान रखना है अगर आपका पहला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट किसी में भी हो सिंस के बाद वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा ठीक है सो वी है

जैसे ही इज द टॉलेस्ट बॉय यहां हमने सुपरलेटिव डिग्री देखी तो आगे का सेंटेंस परफेक्ट में सुपरलेटिव डिग्री आई हैव एवर सीन ठीक यहां पर देखो सुपरलेटिव डिग्री देखी तो आगे का सेंटेंस परफेक्ट में प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट में ठीक है यहां देखा बेस्ट एक्टर सुपरलेटिव डिग्री ये प्रेजेंट में है तो आगे का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव एवर वॉच्ड ठीक है पास्ट परफेक्ट टेंस कब आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिए जो पास्ट परफेक्ट टेंस कब आता है पास्ट की दो घटनाओं को पास्ट के दो इवेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं पास्ट की दो घटनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं जो एक्शन पहले कंप्लीट हो जाएगा उसे पास्ट परफेक्ट में जो एक्शन बाद में कंप्लीट होगा उसे पास्ट इनडेफिनिट में ठीक है थीके? देखो पास्ट की अगर दो बातें कर रहा है कोई तो वहां पर पास्ट की अगर दो बातें कर रहा है कोई तो वहां पर आ, दो एक्शन आगे पीछे हुए होंगे एक एक्शन पहले हुआ होगा एक एक्शन बाद में हुआ होगा राइट तो जो घटना पहले हुई होगी उसे पास्ट परफेक्ट में एक्सप्रेस करेंगे जो घटना बाद में हुई होगी उसे पास्ट में एक्सप्रेस करेंगे ठीक है चल कह रहा है तो जोक चलता था कि संता ने एक बार संता डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको दवा दी तो डॉक्टर ने कहा इसको सोने से पहले इसको दवा खा लेना तो डॉक्टर संता ने पूछा किस दवा को सोने से पहले खाना या सोने के बाद तो सोने के बाद मेडिसिन नहीं ले सकते पहले ही खाया होगा राइट तो पहले क्या किया होगा पहले मेडिसिन खाई होगी और फिर सोने क्या होगा तो क्या होगा ही जो घटना बाद में होगी उसे एक्सप्रेस करेंगे पास्ट जो घटना पहले होगी उसे पास्ट परफेक्ट में और जो घटना बाद में होगी उसे एक्सप्रेस करेंगे पास्ट इनडेफिनिट में तो क्या हो जाएगा ही हैड टेकन सम मेडिसिन बिफोर ही वेंट टू स्लीपी याड टेक ऐसे कर लो राखी पेड द बिल चेक द रेस्टोरेंट ठीक है तो पहले आप चेकआउट कर जाओगे रेस्टोरेंट से या पहले पैसे दोगे पहले पैसे दोगे फिर चेकआउट करोगे तो पहले पैसे दिए फिर चेकआउट किया तो राखी है पेड़ पेड़ दे दे बिल या राखी है चेक रेस्टोरेंट बिफोर शी पेड द बिल ठीक है तो पहले उसने चेकआउट किया उसके बाद बिल पे किया ठीक है चेकआउट पहले करते हैं पहले उसने बिल पे कर दिया ठीक है रेस्टोरेंट आफ्टर ये इसको मत बनाइएगा राखी चेकड आउट रेस्टोरेंट आफ्टर शी हैड पेड द बिल ठीक है तो यह घटना पहले हुई तो इसे पास्ट परफेक्ट में यह बाद में हुई तो इसे पास्ट इंडिया महेंद्र अप द रिसीवर ही सेड हेलो तो पहले फोन उठाओगे फिर से हेलो कहोगे तो पहले क्या किया रिसीवर उठाया फिर हेलो किया तो महेंद्र एड अप द रिसीवर बिफोर ही सेड हेलो ठीक है तरुण स्टार्टेड द कार ही लेफ्ट फॉर डेली पहले क्या करेगा पहले कार स्टार्ट करेगा फिर दिल्ली के लिए निकलेगा तो पहले कार स्टार्ट करेगा फिर दिल्ली के लिए निकलेगा सो तरुण हैड स्टार्टेड द कार बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। ठीक मिसेस गोयल प्रिपेयर्ड द फूड शी वेटेड फॉर द गेस्ट तो मिसेस गोयल प्रिपेयर्ड द फूड पहले क्या करेगी खाना पकाएंगी फिर गेस्ट का वेट करेंगी फूड आफ्टर शी द गेस्ट सेम रहेगा चाहे ट्रेन लेफ्ट आई रीच द स्टेशन यानी कि मैं बाद में पहुंचा ट्रेन पहले जा चुकी थी तो पहले ट्रेन गई फिर मैं स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन ही है गेस्ट बिफोर ही रिसीव द ट्रॉफी तो पहले गेस्ट को थैंक किया या पहले ट्रॉफी रिसीव किया तो पहले आप कई बार पहले भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो डिपेंड्स तो आपने मान लीजिए उसने पहले थैंक किया तो ही हैड थैंक द गेस्ट गेस्ट बिफोर ही रिसीव द ट्रॉफी ठीक है या आप इसे उल्टा करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि ही थैंक द गेस्ट आफ्टर ही हैड रिसीव द ट्रॉफी नेक्स्ट रवि स्टॉप द कार बिफोर ही सॉ तो पहले उसने मुझे देखा फिर उसने कार रोकी तो पहले उसने मुझे देखा तो बिफोर ही सॉ की जगह हो जाएगा ही हैड सीन तो रवि स्टॉप द कार बिफोर ही हैड सीन मी ठीक है या बिफोर नहीं आफ्टर करो यहाँ आफ्टर ही हैड सीन मी मुझे देखने के बाद उसने रोक स्टॉप द कार आफ्टर ही हैड सीन में ठीक है She raised a question after she had answered. तो she raised a question after she had answered. तो पहले उसने जवाब दिया होगा, फिर एक नया क्वेश्चन raise किया होगा, ठीक है? तो पहले जवाब दिया, फिर नया क्वेश्चन raise किया. तो क्या हो जाएगा? She had raised the question after she answered. पहले जवाब दे दिया, फिर एक नया सवाल पूछा. तो आफ्टर शी answered, पहले नया क्वेश्चन पूछा और फिर आंसर किया. तो she had raised the question after she answered. क्स्ट देखो माधुरी हैड गॉन टू हर ऑफिस बिफोर शी हैड द हाउस तो हैड हैड गॉन टू हर ऑफिस बिफोर शी द हाउस तो यहां पर क्या आ रहा है uh, दोनों ही हमने परफेक्ट में रख दिए पहले क्या करोगे आप पहले घर लॉक करोगे तो यानी ये घटना पहले होगी फिर ऑफिस की तरफ निकलेगा तो ये बाद में होगी ठीक है जो घटना पहले होती है उसे परफेक्ट में करते हैं जो बाद में होती है उसे पास्ट में तो ये हटा दें

डॉक्टर पहले आया पेशेंट मर गया ना उसके बाद डॉक्टर आया इसका मतलब सो पेशेंट पेशेंट हैड हैड डाइड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम ठीक है तो बिफोर आ जाएगा पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम आफ्टर किरण विड्रो मनी द एम इशूड द रिसीट तो पहले पैसे निकालते हो आप फिर रिसीव आती है रिसीविंग आती है तो आफ्टर किरण हैड विन द मनी मनी द ए टी एम द रिसीट ठीक है द डॉक्टर रिपोर्टेड दैट द एथलीट टुक सम ड्रग्स लास्ट ईयर अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि लास्ट ईयर आ रहा है अगर लास्ट ईयर आ रहा है तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में आएगा ठीक लेकिन दो हैं पास्ट इवेंट दो बातें हैं कि डॉक्टर रिपोर्टेड क्या कि टुक सम ड्रग्स लास्ट ईयर तो उसने ड्रग्स लास्ट ईयर पहले ड्रग्स लिए होंगे रिपोर्ट अब किया है डॉक्टर ने तो पहले लिए होंगे तो यहां की क्या drugs, तो क्या आ जाएगा? जाएगा। ठीक है। हो दूसरा तरीका। इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका क्या है देखने का? Reported that का का यानी कि सेंटेंस नरेशन नरेशन है। है और का है तो अगर ये पास्ट में है तो ये फर्दर पास्ट में जाएगा और यहाँ हैड हो जाएगा ठीक बट आप इसको ऐसे भी समझ लो कि रिपोर्टिंग बाद में हुई पहले ले रखे थे इसलिए इसे हमने पास्ट इंडेफिन पास्ट परफेक्ट में बनाया इवन लास्ट लगा हुआ था ठीक है आई हैड स्विचड ऑफ द लाइट्स आफ्टर आई कंप्लीटेड माय वर्क तो पहले मैंने काम खत्म किया फिर मैंने स्विच ऑफ लाइट की तो आई स्विचड ऑफ द लाइट्स आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क आई स्विच ऑफ द लाइट्स आफ्टर आई है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखेंगे जो घटना पहले होगी उसके लिए पास्ट परफेक्ट जो घटना बाद में होगी उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट आएगा ठीक है यूज ऑफ वेन एंड वाइल वेन और वाइल का इस्तेमाल कब करते हैं वेन का यूज करते हैं हम इंडेफिनिट टेंस के साथ वेन के साथ हम इंडेफिनिट या फिर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं और वाइल के साथ में हम लोग कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं ये ध्यान रखिएगा आप ठीक है जैसे वैन और वाइल्ड आई वॉज ड्राइविंग माई सन वॉज प्लेइंग मोबाइल गेम्स इन द बैक तो अब यहाँ आपने क्या लिखा है ड्राइविंग तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ वाइल्ड आई वॉज ड्राइविंग माई सन वॉज प्लेइंग मोबाइल इन द बैक ठीक है वैन और वाइल्ड ही रीच्ड देयर अब यहाँ क्या है इनडेफिनिट तो आप यहाँ सीधे वैन लगा सकते हो वैन ही रीच्ड देयर ही फाउंड एवरीबडी सेलिब्रेटिंग वैन और वाइल्ड आई वॉज गोइंग डाउन स्टेयर्स आई सॉ समथिंग वेरी अनयूजअल तो ये क्या है कंटिन्यूअस टेंस तो क्या हो जाएगा वाइल्ड

जो घटना पहले होगी उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल शैल हैव प्लस वर्ब थर्ड ठीक है और जो घटना बाद में होगी उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है ठीक है ध्यान रखिएगा डबल फ्यूचर इज ऑलवेज अवॉइडेड मतलब एक ही सेंटेंस में आपको दो बार फ्यूचर टेंस नहीं देखने को मिलेगा और नहीं देखना तो सही होगा ठीक है अगर दो जगह फ्यूचर लगा है तो किसी एक में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा देंगे ठीक इलेक्शन विल बी कंप्लीटेड बाई द एंड ऑफ मार्च ध्यान रखिए अगर बाई के साथ में कोई टाइम दिया है तो उसको आप परफेक्ट टेंस में ही बनाएंगे ठीक फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे अगर फ्यूचर में बन रहा है तो

बाई द टाइम यू रीच देयर ही बाई द टाइम जिसमें आएगा वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा तो बाई द टाइम यू रीच देयर ही बाई द टाइम अगर सॉरी ये उल्टा बोल के हमें बाई द टाइम यू रीच देयर ही दो घटनाएं हैं पहले आप पहुंचोगे या पहले वो मरेगा पहले क्या होगा सेंटेंस के हिसाब से तुम जब तक पहुंचोगे तब तक वो मर जाएगा तो पहले वो मर जाएगा फिर आप पहुंचोगे यानी कि हमें यहाँ करेक्शन करना होगा he would will have died ठीक है by the time you reach there he will have died they will reach Delhi by then by then अगर आ रहा है तो future perfect they will have reached Delhi by then his father left him a fortune but he is so extravagant that he will extravagant that he will have spent it all before he is 30 तो खर्च कर चुका होगा बिफोर ही इज थर्टी तो फ्यूचर परफेक्ट ये सही है दैट ही ही विल हैव ऑल बिफोर इज इज एम आर अगर बिना किसी वर्ब के साथ लगता है तो ये सिंपल प्रेजेंट माना जाता है तो ये प्रेजेंट में है ये फ्यूचर परफेक्ट सही है कि जब तक वो तीस का होगा तब तक वो खर्च कर चुका होगा ठीक है बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर मृत्युंजय हैज हैड सेटल्ड इन बक्सर विद है

तो बाई द इू थाउजेंड थर्टी ठीक है यानी कि 2030 तक बाई के साथ में टाइम आ रहा है तो सेंटेंस किस में बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में तो विल बिकम की जगह विल हैव बिकम हो जाएगा सेल्फ इन पेट्रोलियम प्रोजेक्ट प्रोडक्ट बाई द एंड ऑफ दिस सेंचुरी साइंटिस्ट विल डिस्कवर अ क्योर फॉर द एड्स अगेन आपने बाई के साथ में क्या देखा यहां टाइम है ठीक है फ्यूचर की बात कर रहा है तो किस में बनेगा फ्यूचर परफेक्ट विल हैव डिस्कवर्ड ठीक है बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी साइंटिस्ट विल हैव डिस्कवर्ड अ क्योर फॉर द एड्स नेक्स्ट बाय दिस टाइम टुमारो बाय के साथ में फ्यूचर के टाइम डिफरेंस आ रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा ठीक है बाय दिस टाइम टुमारो आई शैल हैव रीच्ड माय होम ठीक है By the time द टाइम the रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट बाय द टाइम अगर आ रहा है तो इसके साथ में फ्यूचर परफेक्ट आएगा By the द टाइम रेलवे स्टेशन पहले क्या होगा पहले ट्रेन छूट गई कहना चाह रहा है जब तक तुम रेलवे स्टेशन पहुंचोगे ट्रेन छूट चुकी होगी मतलब पहले ट्रेन छूट जाएगी आप बाद में पहुंचोगे तो ये फ्यूचर परफेक्ट में ये सही है अपनी जगह ठीक है नेक्स्ट देखो बाई नेक्स्ट जुलाई वी शेल है साथ में टाइम आ रहा है फ्यूचर परफेक्ट ठीक है वेन ही गेट्स हिस्स डिग्री ही विल हैव बीन स्टडिंग एट ऑक्सफोर्ड फॉर फोर ईयर्स तो देखो अब यहां टाइम रिफरेंस आ रहा है फॉर फोर ईयर फॉर फोर ईयर आ रहा है तो विल हैव बीन करेक्ट है अगर सिंस या फिर फॉर के साथ में टाइम आता है तो वो किस में आएगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूस तो परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ ठीक है ठीक है बाय नेक्स्ट ईयर आई शैल बीन टीचिंग फॉर सिक्स ईयर्स सिक्स ईयर्स फॉर आ रहा है फ्यूचर परफेक्ट करेक्ट है ठीक है चलिए नेक्स्ट कमिंग टू द नीड एंड डेयर की बात करते हैं ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि नीड और डेयर दो तरीके से इन्हें हम मार्जिनल मॉडल्स भी कहते हैं मार्जिनल मॉडल्स कैसे देखो मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं उन्हें मॉडल वर्ब्स कहते हैं लेकिन और मेन वर्ब की तरह काम नहीं करती हैं ठीक है लेकिन इन्हें मार्जिनल मॉडल्स इसलिए कहते हैं कि कभी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं कभी ये मेन वर्ब की तरह काम करती हैं ठीक है देखो लिखा है यू नीड नॉट टू स्पीक टू हिम ठीक है अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ इतना तो आप सब लोगों को पता है कि अगर कहीं पर भी अगर कहीं पर भी देखिए चूंकि ये रिवीजन क्लास है थोड़ा सा क्रैश कोर्स है तो हम थोड़ा सा चीज़ों को फास्ट देख रहे हैं ठीक है तो अगर आप में से किसी को लग रहा हो कि बहुत फास्ट जा रही है गाड़ी चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि तो समय कम है और कम समय में ज़्यादा पढ़ना है हमें इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ ठीक है जिन्होंने कंप्लीट कोर्स में पढ़ा है वो जानते हैं कि मैंने उसको बहुत ही धीरे धीरे आराम से चीज़ों को पढ़ा रखा है जिन चीज़ों को आप यहाँ एक घंटे में पढ़ रहे हैं वो तीन तीन घंटे के लेक्चर्स हैं ठीक है तो बहुत आराम से क्योंकि हमारे पास अभी इतना समय नहीं है कि हम चीजों को उतना आराम से देख पाए जितना आराम से हमने देखा हुआ है ठीक है इसलिए थोड़ा सा मैं आ, फास्ट ही चल रहा हूँ ठीक है अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है अगर सेंटेंस में तुम्हारे नॉट है तो इसका मतलब सेंटेंस में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब तो होनी चाहिए चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो डू आता है डज आता है और पास्ट इंडेफिनिट होता है तो डिड आता है वर इज एम आर कहीं कहीं ना हेल्पिंग वर्ब जरूर है 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 नॉट होता नहीं यानी कि यहां हेल्पिंग वर्ब कौन काम कर रहा है नीड और अगर नीड हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ काम कर रहा है तो इसके साथ में क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो फिर हमने टू स्पीक क्यों लगा रखा है यहाँ टू नहीं आएगा ये हट जाएगा इट विल बी नीड नॉट स्पीक टू हिम तो इसको दूसरी भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो कि नीड नॉट क्या होता है बेयर इन्फिनेटिव तो चूंकि ये बेयर इन्फिनेटिव होता है तो इसके साथ में टू प्लस वो फर्स्ट नहीं आता सिर्फ वो फर्स्ट आता है ऐसा समझ लो चाहे वैसे समझ लो चाहे वैसे समझ लो ठीक है अब इसी को हम अगर ऐसे लिख दें हमने नीड को मेन वर्ब बना दिया तो ये नीड आ गया यहाँ अब हमने डू नॉट लगा दिया तो अब हमारे सेंटेंस में डू लग गया ये हेल्पिंग वर्ब है ये एडवर्ब है ये हमारा मेन वर्ब हो गया तो अब हम इंफिनेटिव लगा सकते हैं टू स्पीक टू हिम सो यू डू नॉट नीड टू स्पीक टू हिम तो अब यहाँ टू करेक्ट है क्योंकि अब यहाँ हो रहा है यहां पर ये टू टू स्पीक हिम करेक्ट ठीक है, है? यहाँ पर ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो टू स्पीक ठीक है टू के साथ में वो फर्स्ट फर्स्टिव अब देखो यू नीड स्पीक टू हिम यहां पर क्या है यहां पर नीड क्या हो रहा है यहां पर बताओ ये अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो क्या इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है नहीं है तो यानी यहाँ हमारा मेन मेन वर्ब है नीड ठीक है अगर ये मेन वर्ब है तो इसके साथ में टू आएगा यहाँ पर तो यू नीड टू स्पीक टू हिम हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर टू लगेगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा कि अगर नीड के साथ नॉट लग जाता है या नीड हेल्पिंग वर्ब की तरह आ जाता है तब वो बेयर इन्फिनिटी हो जाता है अदरवाइज नीड के साथ में आप टू लगा सकते हो ठीक है He needs to work hard. अब यहाँ नीड के साथ आपने की ऐसे वर्बे लगा रखा है यानी कि ये मेन वर्ब है ना यहाँ पर अगर ये मेन वर्ब है तो यहाँ टू करेक्ट है नॉट लगाया हुआ है ठीक क्या यहाँ पर कोई और हेल्पिंग वर्ब दिख रही है नहीं यानी कि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर ये बेयर इन्फिनेटिव की तरह काम करेगा और यहाँ टू नहीं आएगा ठीक है अब यहाँ आपने डज लगा दिया तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया ये मेन वर्ब हो गया अब जब ये मेन वर्ब है तो अब ये फ्री है फ्री है तो इसके साथ में टू आएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक अब ये देखो क्वेश्चन क्या है इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आप देख रहे हो तो इसमें कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ है हेल्पिंग वर्ब हमारी क्वेश्चन के सबसे आगे है नीड यानी ये हेल्पिंग वर्ब है और अगर ये हेल्पिंग वर्ब बन जाता है तो फिर ये बेयर इन्फिनेटिव बन जाता है तो फिर ये टू नहीं आएगा क्योंकि अब ये मेन वर्ब हो जाएगा तो नीड शी डू इट अगेन हो जाएगा इसी को अगर हम बनाते हैं डू से तो शी के साथ क्या आता है डज तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डज अब ये हेल्पिंग गया तो शी मेन कहाँ आएगा इसके बाद नीड अब ये मेन वर्ब है तो इसके साथ टू डू आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो इट विल बी डी नीड टू डू इट अगेन ठीक यहां देखो ठीक है चलो कह है आई डेयर डेयर का भी सेम ही सेन जो नीड का सीन है वही डेयर का सीन है Not अगर आ गया तो डेयर नॉट के साथ में बेयर इंफिनेटिव तो टू गो नहीं होगा आई डेयर नॉट गो देयर हो जाएगा इंटरलॉक ठीक आई डेयर नॉट गो देयर हो जाएगा ठीक यहां देखो अब डू नॉट लग गया तो ये मेन वर्ब हो गया जब ये मेन वर्ब हो जाता है तो ये बेयर इंफिनेटिव नहीं रहता है तो यहाँ टू गो करेक्ट हो जाता है ठीक वेरी फ्यू डेयर बींग डिफरेंट तो डेयर अगर आ रहा है वेरी फ्यू डेयर बींग डिफरेंट यहाँ पर क्या नॉट है नहीं है क्या इंटरोगेटिव है नहीं है यानी कि सेंटेंस एसर्टिव है असरटिव है है तो यहां पर देखो आप डेयर दिख रहा है यानी ये मेन वर्ब हो गया मेन वर्ब हो गया तो टू बींग नहीं होगा यहाँ पर टू बी हो जाएगा वेरी फ्यू डेयर टू बी डिफरेंट हो जाएगा ठीक इसमें कोई समस्या किसी को चलो नेक्स्ट देखिए हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस तो डेयर यहाँ क्या है हेल्पिंग वर्ब है अगर ये हेल्पिंग वर्ब हो गया यहाँ तो फिर बेयर इन्फिनिटी हो जाता है तो टू नहीं होगा ठीक है तो ये समझिए नीड और डेयर अगर हेल्पिंग वर्ब है तब ये बेयर इन्फिनिटिव है तब इनके साथ टू नहीं आएगा लेकिन अगर मेन वर्ब है तो इनके साथ टू प्लस वो फर्स्ट आ जाएगा ठीक नेक्स्ट देखो आ, नीड आई राइट टू राइट टू हिम तो नीड यहां क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ये टू हटा दो नीड आई राइट टू हिम ठीक है ही नीड नौट, नीड नॉट नॉट क्या है नीड नॉट है यानी हेल्पिंग वोब हेल्पिंग वो है तो टू गो गो देर हो जाएगा टू तो नहीं लगेगा अब आपने डज लगा दिया तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया ये मेन वर्ब हो गया अब ये मेन वर्ब है तो टू गो करेक्ट है ठीक है ही नीड टू गो देर अगेन अब यहाँ क्या है ना नॉट है ना क्वेश्चन वर्क है यानी कि यह मेन वर्व है तो ये टू गो करेक्ट है डू नॉट अगर आ रहा है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है ठीक तो है तो यहाँ पर टू वर्क करेक्ट है ठीक है क्योंकि यहाँ पर यह हेल्पिंग वो है ये मेन वर्ब है हमारा तो या तो यहाँ टू नहीं आएगा यू नीड नॉट वर्क नाउ समीटेड इन पास टाइम बट इट्स रिलेशन इज सोन इन प्रेजेंट टाइम वी यूज परफेक्ट टेंस ठीक है, है? यानी कि अगर कोई इस काम पास्ट में खत्म हुआ था लेकिन उसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन है तो उसे हम परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं ठीक है जैसे We consulted the lawyer recently. Recently आ रहा है तो इसे परफेक्ट में लगाएंगे वी हैव travel डिड air? तो अभी भी, अभी से भी संबंध है कि अभी तक तो तुमने कोई ट्रेवल किया है एयर से एवर आ रहा है तो हैव एवर ट्रेवल्ड बाई एयर हो जाएगा मीटिंग जस्ट so join कैन ज्वाइन जस्ट तो जस्ट अगर आ रहा है तो मीटिंग स्टार्टेड होगा बाई द टाइम डॉक्टर कम्स ही विल डाई पास्ट की दो बातें हैं सॉरी प्रेजेंट फ्यूचर की दो बातें हैं तो पहले मरेगा या पहले डॉक्टर आएगा पहले मरेगा हीस अब देखो यहाँ पर फॉर के साथ में हमने टाइम दे रखा है अगर फॉर के साथ में आप टाइम देते हो तो फिर परफेक्ट आता है ठीक है तो आई हैम हो जाएगा नो की जगह आई है

been learning English for. The Ahujas are living in this colony for the last year. For अगर आ रहा है तो have been living in this colony. ठीक है नेक्स्ट द डायरेक्टर ऑफ आर कंपनी डज नॉट बिलीव दैट वी आर वर्किंग सिंसियरली सब्जेक्ट क्या है हमारा डायरेक्टर ठीक है डज नॉट बिलीव ठीक है वी आर वर्किंग सिंसियरली ठीक है अब डायरेक्टर ये नहीं मान रहा है कि हम सिंसियरली काम कर रहे हैं ठीक अब इसमें आप टाइम डालना चाहते हो कि काफी समय से कर रहे हैं तो इसलिए हम आर वर्किंग नहीं लगाएंगे आर वर्किंग मतलब इस मोमेंट में कर रहे हैं हम कई काफी समय से कर रहे हैं तो वी हैव बीन वर्किंग सिंसियरली हो जाएगा ठीक है आई डू नॉट नो वेदर यू आर अवेयर बट शी इज टॉकिंग कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट थ्री ईयर्स फॉर के बाद टाइम तो क्या होगा हैज बीन टॉकिंग ठीक है फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट फॉर के साथ टाइम तो हैव बीन लिविंग ठीक है चलिए नाउ कमिंग टू द रूल नंबर थर्टी फोर दैट इज इफ मोर देन वन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ देयर अब हम कुछ एड्जेक्टिव के रूल देखेंगे ठीक है अगर एक से अधिक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आपके सेंटेंस में दी है तो उन्हें हम पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं क्या है ऑर्डर इसको आप ध्यान रखेंगे ठीक है क्या है ऑर्डर ओसास कॉम ठीक ओसा कॉम्प क्या है ओ फॉर ओपिनियन आपके ओपिनियन से वो कैसा है यूजली लवली ब्यूटिफुल शार्प जो भी आपके ओपिनियन से कोई चीज कैसी है अब पहला एस होता है फॉर साइज साइज इज फॉर लॉन्ग स्मॉल टॉल बिग ए फॉर एज न्यू ओल्ड यंग ब्यूटीफुल जो भी यूथफुल एस फॉर अगेन शेप राउंड ओवल रेक्टेंगुलर सी फॉर कलर रेड ब्लू ब्लैक वाइट ओ फॉर ओरिजिन इंडियन अमेरिकन अफ्रीकन जमैकन जो भी है एंड एम फॉर मटीरियल प्लास्टिक ग्लास वुडन लेदर मेटल जो भी है पर्पस क्लीनिंग कुकिंग एंड हैमलिंग एक्सेट्रा ठीक है ध्यान रखेंगे ऑर्डर हमारे एडजेक्टिव का ओसास कॉम्प होगा दो बार एस आता है तो आप इसको ऐसे ध्यान रखो पहला वाला एस जो है वो साइज है और दूसरा वाला शेप है ठीक तरीका क्या हो सकता है आ आ रहा है, यहां एच आ रहा है है अगर आप अल्फाबेट देखोगे तो एच पहले आता है आई बाद में आता है तो आप ध्यान रख लो कि रिवर्स ऑर्डर में है एस में आप रिवर्स ऑर्डर में चलोगे ओ की बात करें दो बार ओ आता है तो पहला ओ ओपिनियन है और लास्ट ओ ओरिजिन राइट तो P पहले आता है आर बाद में आता है तो ओ के केस में आप सही ऑर्डर में चलोगे और एस के केस में आप उल्टे ऑर्डर में चलोगे ठीक है चलो शी वॉज वियरिंग अ रेड अमेजिंग कोट रेड क्या है भैया कलर अमेजिंग किसी के हिसाब से वो कोट अमेजिंग हो सकता है किसी के हिसाब से बेकार हो सकता है तो ये क्या है ओपिनियन तो ऑर्डर क्या है हमारा ओसास तो पहले क्या है ओपिनियन फिर है आपका कलर तो पहले क्या हो जाएगा अमेजिंग रेड कोट होगा यहां पर ठीक है नेक्स्ट ही वॉज अ यंग हैंडसम ब्लैक हेयर्ड इंडियन मैन यंग यानी एज हैंडसम ओपिनियन ठीक है क्योंकि किसी के हिसाब से वो हैंडसम नहीं भी हो सकता है ब्लैक हेयर्ड इंडियन मैन इंडियन क्या है आपका ओरिजिन ठीक है तो पहले क्या आएगा आपका ओपिनियन तो इट विल बी अ हैंडसम ठीक है और उसके बाद ये हमारा कलर है एज पहले आएगा हैंडसम यंग, फिर उसके बाद हमारा कलर पहले आएगा ओरिजिन बाद में आएगा तो ब्लैक इट इज ए नैरो लॉन्ग प्लास्टिक ब्रश तो नैरो तो क्या है आपका ओपिनियन है ठीक है लॉन्ग क्या है आपका साइज है प्लास्टिक मटेरियल है ऑर्डर क्या होता है ओसास ओपिनियन पहले आएगा साइज आएगा उसके बाद उसके बाद आपका मटेरियल बाद में आएगा तो ये सही लिखा हुआ है ठीक है ओके सॉरी नैरो इज नॉट ओपिनियन नैरो इज आपका शेप ठीक है नैरो आपका शेप है ठीक है नैरो तो शेप अगर है तो लॉन्ग नैरो हो जाएगा आपका पहले आपका साइज हो जाएगा उसके बाद आपका शेप हो जाएगा बॉट अ लेदर ब्लैक कश्मीरी जैकेट लेदर मटेरियल ब्लैक कलर कश्मीरी ओरिजिन ठीक है ऑर्डर क्या होता है ओसास सास तो पहले क्या आता है आपका मटीरियल uh, बाद में आएगा कलर पहले आएगा तो इट विल बी ब्लैक लेदर कश्मीरी जैकेट ठीक है ओरिजिन तो बाद में ही है ठीक है ओरिजिन बाद में है कलर उसके पहले सॉरी उसके पहले मटेरियल आपका उसके पहले कलर ठीक है जस्ट असा कॉम ठीक है ओपिनियन साइज एज शेप कलर ओरिजिन मटेरियल और आपका पर्पस तो इट विल बी कश्मीरी लेदर जैकेट क्यों क्योंकि ये ओरिजिन है देखो ऑर्डर क्या है हमारा ओ फॉर ओपिनियन एस फॉर साइज ए फॉर एज एस फॉर शेप सी फॉर कलर ओ फॉर Origin and M4 material. तो so origin पहले आएगा, material बाद में आएगा. Origin क्या है कश्मीरी और material क्या है leather. तो so it will be a black कश्मीरी leather jacket. ठीक है? She I want a green silk amazing dress. Green color, silk material, amazing opinion. सबसे पहले क्या आता है? Opinion. उसके बाद color, उसके बाद material. तो so it will be an amazing green silk dress. ठीक है। ब्लैक स्टाइलिश लेदर बैग लेदर क्या है Material, opinion, तो पहले आ जाएगा, बाद में। ठीक so है। इसके अलावा रूल नंबर थर्टी फाइव एड्जेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी जैसे कि सम मच लिटिल इनफ ऑल नो एनी ग्रेट हाफ सफिशियंट होल ऑल यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउंस होंगे इनका इस्तेमाल हम सिर्फ अनकाउंटेबल नाउंस के लिए ही करेंगे जैसे आई एट अफ यू राइस राइस क्या है अनकाउंटेबल नाउंस अफ यू नहीं होगा ठीक है फ्यू मतलब हम काउंट कर सकते हैं सो ही आई एट लिटिल राइस या आई आई एट ठीक है लिटिल राइस या सम राइस कह सकते हो लिटिलइस ठीक है ही ड्रैंक अफ यू वाटर वाटर आप अनकाउंटेबल है नहीं काउंट कर सकते हैं तो अफ यू की जगह लिटिल वाटर ही ड्रैंक अ लिटिल वाटर

देर आर मच थिंग्स टू लर्न थिंग्स क्या है काउंटेबल है तो देर आर मैनी थिंग टू लर्न हो जाते आपका अनकाउंटेबल है. है इसके बाद यह बहुत जरूर से ध्यान रखेंगे क्या की सबसे पहले आपका अगर ऑर्डिनल नंबर आ रहा है ऑर्डिनल नंबर क्या होता है पहले यह समझ लो तो। ऑर्डिनल नंबर मतलब जो ऑर्डर बताए ऑर्डर क्या बताता है आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एटसेट्रा और कार्डिनल क्या होता है आपका जो काउंटिंग नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर वन टू थ्री एटसेट्रा ठीक है तो अगर ये आपके एक ही सेंटेंस में आ रहे हैं तो पहले आप आर्टिकल दा लगाएंगे उसके बाद आप ऑर्डिनल नंबर लगाएंगे उसके बाद आप कार्डिनल नंबर लगाएंगे और उसके बाद आप नाउन लगाएंगे ठीक है तो जैसे द थ्री फर्स्ट रोज लिखा है थ्री क्या है आपका कार्डिनल नंबर फर्स्ट क्या है ऑर्डिनल नंबर तो ऑर्डर क्या होगा द फर्स्ट थ्री रोज आर रिजर्व फॉर गर्ल्स ठीक है द टू फर्स्ट चैप्टर टू क्या है आपका कार्डिनल नंबर फर्स्ट क्या है ऑर्डिनल नंबर ऑर्डर क्या होगा द फर्स्ट टू चैप्टर्स आर वेरी गुड द फोर फर्स्ट ब्लॉयज फर्स्ट क्या है आपका आपका ऑर्डिनल नंबर फोर क्या है कार्डिनल नंबर तो पहले क्या होगा द फर्स्ट फोर बॉयज विल बी गिवेन द अपॉर्चुनिटी इसके अलावा मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं मैनी का इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल के लिए करते हैं ठीक है के बाद हम singular use करते हैं, तो she has dash friends, friends plural है तो हम यहां लिख देंगे मैनी बुक्सोल्ड ठीक है अब लिखा है मैनी हैव लॉस्ट दियर लाइफ अब आप यहां देखो यहाँ दियर कर रखा है यहाँ ए है यहाँ मैन है अगर हम यहां

दे रिजेक्ट डैश कैंडिडेट दिस ईयर कैंडिडेट क्या है सिंगुलर और मैनी और मच में से हमें एक लगाना है तो हम क्या लगाएंगे दे रिजेक्ट मैनी अ कैंडिडेट दिस ईयर रिजेक्टेड कर देगा दे रिजेक्टेड मैनी अ कैंडिडेट दिस ईयर मैनी स्टूडेंट या वर प्रेजेंट तो मैनी के साथ प्लूरल आएगा स्टूडेंट student नहीं स्टूडेंट्स होगा और स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ वर आएगा तो मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट हो जाएगा यहाँ लिखा है अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट्स तो अ ग्रेट मैनी प्लूरल है तो स्टूडेंट नहीं क्या होगा स्टूडेंट्स और प्लूरल है तो यहाँ क्या आएगा वर तो अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट होगा यहाँ हमने क्या लगा रखा है मैनी ए अगर मैनी ए लिखा हुआ है तो सिंगुलर आएगा स्टूडेंट्स हटा दो और चूंकि सिंगुलर आएगा तो यहाँ वॉज आएगा वर नहीं आएगा मैनी अ मैन लिखा है मैनी अगर आर्टिकल ए आ रहा है तो यहाँ मैन हो जाएगा हैज हो जाएगा नॉट डन दियर वर्क ऑन टाइम ठीक है ये हम अभी कर चुके हैं मैन आ रहा है तो हैज नॉट है यहाँ पर और यहाँ दियर है ठीक है अब देखो यहाँ मैनी मैन सिंगुलर इसके हिसाब से हैज करेक्ट तो यहाँ दियर की जगह क्या हो जाएगा हिज होमवर्क वर्क क्वेश्चन को हमें ध्यान से करते हैं ठीक है इसके अलावा नेक्स्ट रूल नंबर थर्टी नाइन अगर सेंटेंस में आपके इनफ का यूज होता है तो इनफ के बाद हम अगर इनफ के एडजेक्टिव uh, आ रहा है तो एडजेक्टिव के बाद इनफ के बाद एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे इनफ के पहले एडजेक्टिव लगाएंगे और नाउन अगर होगी तो इनफ के बाद लगाएंगे ठीक है तो ऑनेस्ट इनफ होगा और इनफ मनी होगा ध्यान रखिए इनफ के बाद में नाउन आएगी और अगर एडजेक्टिव है तो वो इनफ के पहले आएगा ठीक है समझ गए तो एडजेक्टिव इनफ ऑनेस्ट इनफ सही होगा और इनफ मनी सही होगा शी इज़ इनफ वाइज टू टेक अ डिसीजन तो शी इज वॉट शी इज वाइज वाइज क्या है एडजेक्टिव तो वाइज इनफ होगा क्योंकि एडजेक्टिव के बाद में इनफ आएगा शी इज वाइज इनफ टू टेक अ डिसीजन ठीक है नेक्स्ट देखो आई हैव मनी इनफ मनी क्या है नाउन तो इनफ क्या आएगा इसके पहले हो जाएगा आई हैव इनफ मनी टू स्पेंड ऑन हर एजुकेशन आई हैव इनफ मनी टू स्पेंड ऑन हर एजुकेशन ठीक चलिए नेक्स्ट रूल नंबर फोर्टी इट सेज और एनी सम और एनी सम का इस्तेमाल आप काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए करते हैं सिंगुलर प्लूल दोनों के लिए करते हैं लेकिन एफोमेटिव सेंटेंस में करते हैं ठीक है और एनी uh, का इस्तेमाल आप काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए करते हैं सिंगुलर के साथ ही करेंगे लेकिन इसे हम निगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं या फिर निगेटिव वर्ड्स होगा नेवर सेल्डम हार्डली ठीक है देखो तरुण सॉ सम स्टूडेंट तो सम स्टूडेंट भी सही सम स्टूडेंट्स हो जाएगा सम के साथ प्लुरल आएगा ठीक है सम स्टूडेंट्स ठीक ठीक है नेक्स्ट देखो तरु डिड नॉट सी सम स्टूडेंट या एनी स्टूडेंट अब यहाँ देखो आपने नॉट लगा रखा है अगर यहाँ नॉट है तो फिर सम नहीं होगा इट विल बी एनी स्टूडेंट तनु डिड नॉट सी एनी स्टूडेंट कृष्णा रेयरली लाइक समवन आपने क्या लिखा है रेयरली अगर रेयरली है तो समवन नहीं क्या होगा एनी वन क्योंकि रेयरली निगेटिव सेंस देता है आई शैल बाय सम मैंगोज तो चूंकि पॉजिटिव है तो सम मैंगोज करेक्ट है आई शैल नॉट बाय एनी मैंगो नॉट अगर आ रहा है तो यानी एनी करेक्ट है और एनी के साथ सिंगुलर आता है तो आई शैल नॉट एनी मैंगो ठीक है नेक्स्ट अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो सम के साथ भी तब आपको क्या करना है इंटेरोगेटिव में सम और एनी दोनों को लगा सकते हैं अगर डाउट होगा कोई आपको तो आप एनी लगाएंगे और अगर आप किसी को कुछ ऑफर या रिक्वेस्ट कर रहे होंगे तो आप सम लगाएंगे ठीक है जैसे इज देयर सम वन या एनी वन आपको क्या है यहां पर आप कुछ डाउट ऑफर नहीं कर रहे हैं आप किसी को आप सवाल पूछ रहे हैं डाउट है आपको अगर डाउट है तो आप एनी वन लगाओगे ठीक वुड यू लाइक टू हैव समन और समथिंग अब यहां पर आप क्या कह रहे हो ऑफर कर रहे हो कुछ लेना चाहोगे तो यहाँ क्या है ऑफर है अगर ऑफर है तो क्या होगा ऑफर अगर है तो यहां पर हम क्या लगाएंगे समथिंग ठीक है वुड यू लाइक टू हैव समथिंग एनीथिंग नहीं होगा वुड यू प्लीज लेंड मी सम या एनी मनी अब यहाँ क्या है रिक्वेस्ट है अगर रिक्वेस्ट है तो क्या होगा एनी मनी आएगा सम मनी नहीं आएगा ठीक है तो यहाँ क्या है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है डाउट है आपको ठीक है डाउट है तो एनी फ्रूट आएगा सम फ्रूट नहीं है ठीक है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रूल देट इज रूल नंबर फोर्टी टू ध्यान देना है क्या आप अगर आप एज़ एडजेक्टिव एज यानी एज़ और एज का यूज़ कर रहे हो तो आप बीच में पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव रखोगे साथ ही साथ इस सेंटेंस का यूज़ निगेटिव में भी हो सकता है इसका यूज़ पॉजिटिव में भी हो सकता है ठीक सिमिलरली सो के साथ एज यूज़ कर सकते हो इसमें भी बीच में आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री रखोगे और ये हमेशा

एज एडजेक्टिव एज इसे हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंसेज में यूज कर सकते हैं सो so, एज को आप सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सेंटेंसेज में यूज कर सकते हैं ठीक तो शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर मदर ठीक एज और पॉजिटिव डिग्री एज करेक्ट है पॉजिटिव सेंटेंस है ठीक है शी इज नॉट एज ब्यूटिफुल नॉट के साथ में भी एज और एज करेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है ठीक अब यहां ये सेंटेंस देखो पॉजिटिव है शी इज सो ब्यूटिफुल एज हर मदर लेकिन आपने सो लगा दिया तो सो और एस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ निगेटिव में ही करेंगे तो ये गलत हो जाएगा अगर आप लिखते हो कि शी इज नॉट सो ब्यूटिफुल एज हर मदर तो अब ये सही हो जाएगा नॉट आ रहा है और सो एज ठीक है एज as as तो as और एज as के बीच में पॉजिटिव डिग्री करेक्ट होगा ठीक है ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज his ब्रदर नॉट आ रहा है तो एज as ठीक है कोई दिक्कत नहीं ही इज़ सो इंटेलिजेंट एज सो एज लगा रहे हो और सेंटेंस पॉजिटिव है तो गलत होगा ठीक है क्या होगा ही इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट जो है सही होता या फिर यहाँ पे ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज कर दो ठीक है नॉट आ गया तब सो so एज सही हो जाएगा दिस बुक इज सो बेटर एज एनी अदर बुक तो सो so एज लगा रहे हो आप पहली बात तो ठीक है सो एज नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो एज एज होगा और बेटर की जगह पॉजिटिव डिग्री आएगी क्या आएगा गुड दिस बुक इज एज गुड एज एनी अदर बुक ठीक है नॉट अगर लगाया है तब सो गुड करेक्ट होगा ठीक है एज का इस्तेमाल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में सही है लेकिन सो so का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव है ठीक है इसके बाद ये वाला रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है एडजेक्टिव्स में इससे भी क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं क्या कि कंपेरेटिवली रिलेटिवली प्रफरेबली अगर आपके सेंटेंस में इनका यूज हुआ है तो आप दैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे ठीक है जैसे अगर सेंटेंस में आपके कंपेरिटिवली रिलेटिवलीफरेबली अगर आया है तो फिर आप उसे पॉजिटिव डिग्री में ही एडजेक्टिव लगाएंगे ठीक है चाइना इज कम्पेरेटिवली बेटर एशियन कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है तो चाइना इज कंपेटिवली बेटर एशियन कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आपने यहां देन लगाया हुआ है अगर सेंटेंस में दैन है तो सेंटेंस में कंपेरेटिव डिग्री जरूर होगी तो यहां पर ये जो कंपेरिटिवली है हम इसे उड़ा देंगे सही क्या हो जाएगा चाइना इज बेटर ऑल अदर एशियन कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक कह रहा है चाइना इज बेटर देन ऑल अदर ठीक है कह रहा है इफ यू कंपेयर माय डॉटर विद योर यू विल फाइंड माइन कंपेरिटिवली बेटर एट स्टडीज क्या यहां दैन आ रहा है नहीं आ रहा है आपने यहाँ कंपेरेटिवली देखा तो यहाँ बेटर की जगह क्या लगा देंगे गुड ठीक है इफ यू कंपेयर माई डॉटर विद योर्स यू विल फाइंड माइन कम्पेरेटिवली गुड एट स्टडीज ठीक है दिस बुक इज रिलेटिवली मच बेटर द वन यू बॉट यस्टरडे ठीक है आपने दैन लगाया हुआ है अगर दैन है तो बेटर यहाँ सही हो जाएगा और रिलेटिवली यहाँ गलत हो जाएगा दिस बुक इज मच बेटर द वन यू बॉट यस्टरडे ठीक है ध्यान रखेंगे मच का इस्तेमाल डिग्री से पहले होता है ठीक वेरी के साथ कंपेरेटिव डिग्री यूज नहीं होगी ठीक है इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि मोर मतलब डबल कंपेरेटिव नहीं इस्तेमाल होगा कभी भी डबल कंपेरेटिव का यूज कभी नहीं होगा डबल कंपेरेटिव मतलब आप लिख रहे हो मोर बेटर गलत है ठीक है आप लिख रहे हो मोर वर्स गलत है कभी भी डबल कंपेरेटिव डी यूज नहीं होगा ठीक है एक ही कंपेरेटिव डिग्री एक बार यूज करिए बस दिस बुक इज मच बेटर देन द वन यू बॉट आई फाइंड प्रयागराज कंपेरेटिवली बेटर देन देन बनारसी तो लिखा आपने कंपेरेटिव डिग्री लिखा तो कंपेरेटिवली नहीं आएगा ठीक है नेक्स्ट देखो द कंप्यूटर इज दिस कंप्यूटर इज प्रेबली बेटर यहाँ देन आ रहा है नहीं तो प्रिफरेबली अगर आ रहा है तो बेटर की जगह क्या हो जाएगा गुड एप्पल इज़ कंपेरेटिवली बेटर दैन एनी अदर फोन इन मार्केट तो दैन अगर आ रहा है तो कंपेरेटिव डिग्री है तो यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री आएगा कंपेरेटिवली नहीं आएगा ठीक है एप्पल इज बेटर दैन एनी अदर फोन इन मार्केट सैमसंग प्रिंटर इज कंपेटिवली बेटर दैन एच पी दैन आ रहा है तो दैन आ रहा है तो यहाँ कंपेरेटिव डिग्री आ जाएगा कंपेरेटिव डिग्री आएगा तो यहाँ कंपेरेटिवली नहीं आएगा ठीक है

ठीक है देखिए यू आर इक्वली एज क्लेवर एज योर फ्रेंड तो इक्वली भी लगा रहे हो और आप और एज और एज भी लगा रहे हो तो यहां इक्वली आप नहीं लगाओ आप सिंपली यू आर एज क्लेवर एज योर फ्रेंड लिख दो ठीक है डाइट एंड एक्सरसाइज आर इक्वली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट तो यहां पर इक्वली करेक्ट है अब यहाँ कह रहा है डाइट इज इक्वली एज इंपॉर्टेंट एज एक्सरसाइज अब अगेन आपने इक्वली भी लगा दिया और एज और एज भी लगा दिया तो यहां से इक्वली हटा दो डाइट इज एज इंपॉर्टेंट एज एक्सरसाइज ठीक रोल नंबर फोर्टी फोर कह रहा है राइट ही इज इक्वली एज बेटर एज हिज ब्रदर तो अगेन एज और एज आ रहा है तो इक्वली हटा दो और बेटर की जगह क्या कर दो गुड क्योंकि एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है ही इज़ इक्वली द बुक इज इक्वली एज बेटर लिख रहा है इक्वली भी लिख रहा है और एज बेटर भी तो यहाँ पर इक्वली हटा दो और एज बेटर के साथ में गुड लगा दो ठीक है शी इज़ इक्वली as हर सिस्टर तो अब आपने इक्वली भी लगा दिया और एज भी लगा दिया तो अगेन गलत है एज़ अगर आ रहा है तो इक्वली हटाओ यहाँ एज आएगा शी इज़ एज sister हर सिस्टर द फोन इज इक्वली एज फास्ट at एज इट्स ओल्ड मॉडल एज तो एज लगाया पॉजिटिव डिग्री होगा यानी इक्वली यहाँ नहीं आएगा द ऑफिस इज इक्वली एज कॉम्पिटेंट एज द द वन इन सिटी एज एज के साथ में पॉजिटिव डिग्री आएगा तो इक्वली नहीं आएगा ठीक है ठीक है इसके अलावा फेयरली मॉडरेटली के साथ भी पॉजिटिव डिग्री ही आता है जैसे द बुक इज फेयरली मोर इन्फॉर्मेटिव फेयरली मोर इन्फॉर्मेटिव नहीं फेयरली फेयरलीटिव द बुक इज़ कंपेरेटिवली बेटर नहीं गुड ठीक है द फोन इज कंपेरेटिवली गुड इसके अलावा अगर कोई ये लिखता है कि ही रंस मोर फास्टर देन मी ठीक है शी इज मच मोर बेटर ठीक है तो ध्यान दीजिए आपने मोर लिखा और फास्टर लिखा तो डबल कंपेरिटिवेजेड यहाँ मोर नहीं आएगा आपने बेटर लिखा और मोर लिखा डबल कंपेरिटिव इज ऑलवेज अवॉइडेड तो यहाँ मोर नहीं आएगा ठीक इसके अलावा ध्यान दीजिए दैन लिखा आपने तो यहाँ पर जो कंपेरिजन है वो किससे होगा ही का कंपेरिजन मी से होगा ठीक है तो कंपेरिजन हमेशा सिमिलर चीजों में होता है सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से ही यहाँ क्या है सब्जेक्ट तो मी यहाँ क्या है हाँ? सब्जेक्ट होना चाहिए तो इसे आई करना पड़ेगा सब्जेक्टिव केस में करना पड़ेगा ठीक है सिमिलरली आपने यहाँ हिम कर रखा है और यहाँ सब्जेक्ट है ठीक है तो सब्जेक्ट का कंपेरिजन सब्जेक्ट से होगा तो हिम की जगह यहाँ क्या आएगा ही मच मोर बेटर ठीक बोलने में अटपटा लगेगा बट सही है ठीक है इसके अलावा योर बुक्स आर बेटर देन माई बुक्स तो कंपेरिजन सिमिलर चीज़ों में होगा आप योर बुक्स कर रहे हो तो माई बुक्स की जगह क्या लिख सकते हो आप माइन योर बुक्स आर बेटर देन माइन ठीक है द चिल्ड्रेन ऑफ माई अंकल्स फ्रेंड आर मोर नॉटी देन दोज ऑफ यू सो दोज ऑफ यू वॉट दोज ऑफ यू अब देखो दोज ऑफ यहाँ पर दोज हो गया ऑफ हो गया और यहाँ पर आप देख रहे हो कि पॉजिटिव केस है तो आपको यहां पे पॉजिटिव केस लिखना पड़ेगा क्या योर्स तो ऑफ माई अंकल्स फ्रेंड आर मोर नॉटी देन दोज ऑफ योर्स ठीक द कैपिटल ऑफ देखो नाउन ऑफ पॉजिटिव कंपेरिजन आर्स हो गया यहां सिंपल अब यहां भी comparison किस में होना चाहिए नाउन ऑफ पॉजिटिव केस राइट तो नाउन ऑफ कैपिटल के लिए हम क्या लगाएंगे दैट ऑफ आर्स समझ गए नेक्स्ट देखो रोहित देख हो पॉजिटिव नाउन प्लस आपने पॉजिटिव एड्जेक्टिव यानी पोजेशन आ गया उसका ठीक है नॉट सो गुड एज रविज एटीट्यूड ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें सेम लिखा हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन इंडिया अब यहां देखो आपने नाउन ऑफ नाउन आ रहा है यहां सिर्फ नाउन आ रहा है आपको क्या करना पड़ेगा नाउन ऑफ नाउन लिखना पड़ेगा ऑफ बा, के बाद वाला नाउन इंडिया रहेगा तो पॉपुलेशन के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा प्रोनाउन लिखना पड़ेगा वो क्या है दैट ऑफ इंडिया ठीक है दूसरी बात इसको ऐसा समझ लो कि आप चाइना की पॉपुलेशन का कंपैरिजन इंडिया की पॉपुलेशन से कर रहे हो तो सिमिलर कंपैरिजन होगा चाइना की पॉपुलेशन का कंपैरिजन इंडिया की पॉपुलेशन से हो सकता है इसलिए हमें दैट ऑफ इंडिया लिखना पड़ेगा ठीक है नंबर फोर्टी फाइव दॉयज एफर्ट अपील्ड टू मी मोर देन दोज ऑफ गर्ल्स ठीक है तो अब यहाँ क्या है द बॉयज एफर्ट्स अपील्ड टू मी मोर देन दोज ऑफ गर्ल्स गर्ल्स के एफर्ट्स की बात हो रही है तो हम यहाँ पे भी अपोस्ट ऑफे कर देंगे दैट्स इट दोज ऑफ क्योंकि एफर्ट्स की बात है तो हमने एफर्ट्स के लिए लिख दिया दोज ऑफ किसके गर्ल्स के तो यहाँ पे अपोस्ट ऑफे लगा देंगे सो द बॉयज एफर्ट अपील टू मी मोर देन दोज ऑफ गर्ल्स अनिताज हाउस इज एज ब्यूटिफुल एज दैट ऑफ सरला तो अनीता का हाउस ठीक है एज ब्यूटीफुल एज दैट ऑफ सरलास ठीक है प्राइस ऑफ योर बुक इज मोर देन माइंड तुम्हारी किताब का प्राइस मेरे से ज्यादा थोड़ी होगा मेरी किताब से ज्यादा होगा ना तो देन दैट ऑफ माइंड ठीक है द आइडिया ऑफ योर फ्रेंड आर एज बेनिफिशियल एज हर आइडियाज आइडियाज ऑफ योर फ्रेंड आर एज बेनिफिशियल हर आइडिया तो क्या होगा यहाँ पर आइडियाज के लिए क्या आ जाएगा प्लूरल दो आइडियाज ऑफ यूर फ्रेंड आर एज बेनिफिशियल एज दोज ऑफ हर आइडियाज ठीक है पीपल ऑफ अमेरिका रिचर दैन इंडिया कंपेरिजन किस में होगा अमेरिका के पीपल का इंडिया के पीपल से तो पीपल के लिए आता है बुक्स इन दिस शॉप आर एज यूजफुल एज दैट शॉप आप कंपेरिजन किसका कर रहे हो किताबों इस शॉप की किताबों का दैट शॉप से कंपेरिजन नहीं कर रहे हो दैट शॉप की किताबों का कंपेरिजन कर रहे हो राइट right? तो क्या होगा देन एज ब्यूटीफुल एज यूजफुल एज दोज ऑफ दैट शॉप ठीक है द वॉल ऑफ माई हाउस इज स्ट्रॉन्गर देन माई अंकल्स मेरे घर की दीवार स्ट्रॉन्गर है किससे मेरे अंकल के घर की दीवार से सो देन दैट ऑफ माई अंकल्स हाउस ठीक है कंपेरिजन सेम चीज में होना है वर बेटर ट्रेन दैट ऑफ एनिमीज तो सोल्जर्स क्या हैज फार मोर एक्सपेंसिव एंड लग्जूरियस अपार्टमेंट देन जॉन्स तो जैकॉन ठीक है सिमिलर कंपेरिजन दीट ऑन दिस लैंड इज फाइनर लास्ट इन उस इज बेटर घर जॉन के हाउस से बेटर है ना तो जॉन्स हाउस हो जाएगा ठीक है जॉन्स पीपल ऑफ एंशियंट इंडिया वर मोर सिविलाइज एंशियंट यूरोप एंशियंट यूरोप के पीपल से कम, जब कंपेयर कर रहे हैं ना तो क्या होगा यूरोप क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज बेटर चेन्नई सो द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज बेटर चेन्नई के क्लाइमेट से दैन दैट ऑफ चेन्नई ठीक है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया इज स्टिलोअर अदर डेवलपिंग कंट्रीज तो इंडिया में रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड बाहर अदर डेवलपिंग कंट्रीज के में रहने वाले लोगों के स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे ना सो देट ऑफ most most of 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 the the other more than that of most of the other developing countries ठीक है इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज सुपीरियर टू देखिए ध्यान दीजिए अभी आगे देखेंगे सुपीरियर के साथ टू आता है ठीक है अब इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज सुपीरियर टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड नहीं टू तो लोगों के सोचने के तरीके से कंपेरिजन कराना ना तो टू दैट ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ठीक है इसके अलावा ध्यान देना है कि अगर कंपेरिटिव डिग्री आ रहा है तो इसके पहले जनरली हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं ठीक है लेकिन कभी कभी करते हैं अगर ऑफ द टू का केस हो तो कंपेरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द लगेगा जैसे यू आर बेटर टू बॉयज दो बॉयज की कंपैरिजन है तो देन नहीं आप यहां ऑफ लगाओगे ठीक है और अगर ऑफ द टू बॉयज आएगा तो कंपेरेटिव डिग्री से पहले द आएगा यू आर द बेटर ऑफ द टू बॉयज ठीक है ही हैज टू सन्स बट आई वॉन्ट टू नो विच इज द मोर इंटेलिजेंट दैन देम तो टू सन्स की बात हो रही है दो का कंपेरिजन है तो क्या आएगा ऑफ देम विच इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ देम द के साथ कंपेरेटिव डिग्री आएगी और ऑफ देम हो जाएगा ठीक है ऑफ़ द टू फिल्म आपने ऑफ द टू फिल्म का स्ट्रक्चर दे दिया तो आप कंपेरेटिव डिग्री के पहले द द द आ जाएगा तो आई थिंक इज बेस्ट की जगह द बेस्ट डिग्री तब आती है जब दो से ज्यादा की बात होती है तो यहां बेस्ट की जगह क्या आएगा बेटर ठीक है ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट बिगेस्ट नहीं हो सकता दो सिटीज की बात हो रही है इज द बिगर ठीक है ऑफ द टू प्रिंसिपल्स ऑफ द टू आर पुट्स फॉरवर्ड द लेटर इज बेस्ट बेस्ट नहीं हो सकता है दो की बात है तो द प्लस डिग्री द बेटर द ब्लैक वन इज़ बेटर ऑफ द टू शर्ट्स यू वॉट ऑफ द टू शर्ट्स की बात हो रही है तो द बेटर हो जाएगा ठीक है दुडन चेयर इज बेटर ऑफ द टू चेयर ऑफ द टू चेयर्स की बात हो रही है द तो, बेटर हो जाएगा ठीक है इसके अलावा ऐसे जितने भी एडजेक्टिव्स जो आई ओ आर या फिर ओ आर से एंड होते हैं इनके साथ में टू आता है और इसमें प्रिफर भी डाल लीजिए आप ठीक है जैसे आपका जूनियर सीनियर सुपीरियर प्रायर एंटीरियर प्रोस्टीरियर प्रिफर एक्सेट्रा ठीक है इनके साथ टू आएगा कैश दैन की जगह जैसे आई नो ही सीनियर दैन यू तो सीनियर है तो टू यू होगा ठीक है दिस इज मोर सुपीरियर टू दैट इन क्वालिटी तो मोर भी लगा दिया सुपीरियर भी लगा दिया डबल नहीं लगाते मोर नहीं होगा सुपीरियर टू दैट इन क्वालिटी डिग्री ऑफ दीज वर्ड बिकॉज दे आर लैटिन वर्ड्स ठीक है जैसे नाउ ही इज द मोस्ट जूनियर टू अर्स मोस्ट नहीं टू द मोस्ट सीनियर इंप्लॉय सीनियर कंपेरेटिव है मोस्ट नहीं आगे

कह रहा है दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव दैन दैट वन तो देखो यहाँ मोर एक्सपेंसिव आया है तो इसके लिए दैन करेक्ट है लेकिन इसके लिए दैन करेक्ट नहीं है तो यहाँ हमें अलग प्रशन लगा देंगे ठीक है देखा है सुपीरियर के साथ में टू आता है इंडियन साइंटिस्ट आर इन नो वे इंफीरियर दैन इनफीरियर के साथ में ठीक 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 है 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 ये सारी एडजेक्टिव की सेम डिग्री जो होती है एंड से अगर दो डिग्री दो एडजेक्टिव ज्वाइन हो रहे हैं तो उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए ध्यान दीजिए कैसे अगर पॉजिटिव डिग्री है तो एंड के साथ पॉजिटिव डिग्री आएगी अगर कंपेरेटिव डिग्री है तो एंड के साथ comparative degree आएगी आएगी है है तो 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 के साथ ठीक जैसे ये हो गया तो यहां पे आप मोस्ट एडवांस कर देंगे बेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड इन क्लास यहां लिखा है रौनक इज स्मार्टर देन नरेश देन आ रहा है, comparative है।

लेकिन सीनियर के लिए देन नहीं सही है तो यहाँ पर हमें टू लगाना पड़ेगा शी इज सीनियर टू एंड मोर एक्सपर्ट देन आई संजीव वॉज ऑनेस्ट एंड सुपीरियर देन नरेश तो सुपीरियर के साथ देन नहीं आता है क्या आता है टू आता है ठीक तो अब यहाँ पर आ गया संजीव वॉज ऑनेस्ट एंड सुपीरियर टू नरेश लेकिन ऑनेस्ट के लिए टू नहीं आएगा तो इसकी पहले तो हम कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे मोर क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री को जोड़ेंगे हम और फिर मोर आएगा तो यहाँ देन आ जाएगा

सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यू आर रिचर बट लीस्ट कॉन्फिडेंट दैनस देन आ रहा है रिचर है तो इसके लिए देन सही है लीस्ट कॉन्फिडेंट के लिए भी देन सही है तो दैट लीस्ट कॉन्फिडेंट देन अस कर हो तो लीस्ट कॉन्फिडेंट की जगह क्या हो जाएगा लेस कॉन्फिडेंट देन अस ठीक है इसके कंपेरेटिव डिग्री में लगा देंगे हम क्योंकि देन आ रहा था और कंपेरेटिव डिग्री था ठीक है she was junior but wiser than uh, radhika ab dekho wiser ke liye than correct hai lekin junior ke liye than nahi correct hai kya hoga she was junior to but wiser than radhika theek hai she rani seems more intelligent than sunita theek hai to more intelligent than sunita correct hai लेकिन आप ध्यान दीजिए कि अगर एक ही व्यक्ति की दो qualities को compare करना हो जैसे रानी है इसकी दो क्वालिटी हैं एक क्वालिटी है स्मार्ट होना एक है इंटेलिजेंट होना तो अगर एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं तब स्ट्रक्चर क्या होता है तब स्ट्रक्चर होता है हमारा दैन लगेगा उसके बाद में हम पॉजिटिव डिग्री रखेंगे इसके पहले भी हम पॉजिटिव डिग्री रखेंगे और बस मोर लगा देंगे ठीक देखो कैसे यहां एक पॉजिटिव इसको भी हम पॉजिटिव डिग्री कर दें पहले स्मार्ट हो जाएगा ठीक है स्मार्ट हो जाएगा इसको भी हम पॉजिटिव डिग्री कर दें इंटेलिजेंट हो जाएगा दैन से जोड़ दें और फिर इसके पहले हम मोर लगा देंगे तो इट विल बी रानी सीम्स मोर स्मार्ट दैन इंटेलिजेंट डेली इज़ स्मॉलर दैन मोर पॉपुलेटेड दैन आ रहा है स्मॉलर एक ही डेली दे है जो स्मॉल भी है पॉपुलेटेड भी है तो एक ही सिटी की दो क्वालिटीज कंपेयर हो रही हैं तो स्मॉलर और पॉपुलेटेड है तो अगर एक ही सिटी की दो क्वालिटीज कंपेयर हो रही हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री आएगा पॉपुलेटेड ये आपका ये भी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा स्मॉल और उसके पहले मोर लग जाएगा डेली इज मोर स्मॉल देन पॉपुलेटेड ठीक है ऑनेस्टी इज प्रायर टू इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ ठीक है अब यहाँ प्रायर टू इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ ठीक है तो प्रायर टू प्रायर के साथ में टू आता है ठीक है लेकिन ऑनेस्टी का ही हम कंपेयर कर रहे हैं प्रायर टू इम्पॉर्टेंट तो प्रायर के साथ में क्या आएगा मोर प्रायर और मोर आएगा तो यहाँ देन हो जाएगा इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ ठीक है ये थोड़ा ध्यान रखिएगा अटपटा है ठीक है योर फ्रेंड इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट ब्रेव और इंटेलिजेंट एक ही की दो क्वालिटी तो इंटेलिजेंट ठीक है ब्रेव की जगह क्या कर दें ब्रेव और इसके पहले हम लगा देंगे मोर योर फ्रेंड इज मोर ब्रेव दैन इंटेलिजेंट ठीक है कमिंग टू द लास्ट रूल इसको ध्यान से देखिए जरा ही इज एज कन्फ्यूज इफ नॉट मोर कन्फ्यूज तो ये वाला सेंटेंस अलग है ये सेंटेंस अलग है दो सेंटेंस है जो कंजंक्शन से जुड़े हैं तो यहाँ एज है तो इसको हम पूरा कर देंगे एज कन्फ्यूज एज ही इज एज कन्फ्यूज एज इफ नॉट मोर कन्फ्यूज देन यू ठीक है यहाँ लिखा है ही इज एज इंटेलिजेंट एंड स्मार्टर देन तो अगर हम दो अलग अलग डिग्री यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए अलग अलग कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं जैसे ही इज एज इंटेलिजेंट एज एंड स्मार्टर देन यू एट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है रोहित इज मोर ऑनेस्ट मोर ऑनेस्ट आ रहा है तो इसके साथ देन आ जाएगा एज हार्ड वर्किंग एज यू हो जाएगा ठीक है so correct। अलग-अलग से दो अलग अलग, अलग डिग्री यूज हो रही है तो ये हमारी करेक्ट है ठीक है आगे बढ़ते हैं कुछ और रूल देख लेते हैं हमारे डिग्री के साथ में आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो ठीक है ध्यान रखेंगे द प्लस एडजेक्टिव माय सुपरलेटिव का इस्तेमाल हो जाएगा लेकिन अगर एडजेक्टिव आ रहा तो उसके दा नहीं आ है इज तो बॉय इन माइ क्लास ठीक है राहुलस्ट बॉय माइर क्लास ठीक वन ऑफ के बाद में आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हो अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो और प्लूरल नाउन आएगा तो शी इज वन ऑफ द स्ट्रॉगेस्ट

क्योंकि ये एप्सुलूट होते हैं अपने आप में यूनिक एब्सुलूट आइडियल होल परफेक्ट चीफ यूनिवर्सल कंप्लीट जितने भी शेप हैं ओवल राउंड स्क्वायर एक्सेट्रा राइट रॉन्ग अल्टीरियर एक्सटीरियर ये सब आपके नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हैं इनका कंपेरेटिव या सुपरलेटिव दोनों ही नहीं बनेगा जैसे दिस इज द मोस्ट यूनिक आइडिया आई हैव एवर कम अक्रॉस तो यूनिक है तो मोस्ट नहीं दिस इज द यूनिक आइडिया आई हैव एवर कम अक्रॉस ठीक है दिस इज यूनिक आइडिया आई हैव एवर कम अक्रॉस यू आर टॉकिंग अबाउट अ मोर इम्पॉसिबल टास्क टू डू तो इम्पॉसिबल है तो ये नॉन ग्रेडेबल है मोर इम्पॉसिबल है यू आर टॉकिंग अबाउट एन इम्पॉसिबल टास्क टू डू ठीक है ऑल आई नो दैट रानी इज द मोस्ट यूनिक यूनिक सुपर आपका नॉन ग्रेडेबल है तो मोस्ट नहीं आएगा रानी इज द यूनिक स्पीकर ऑफ अर क्लास ठीक है दिस वॉज द मोस्ट यूनिक तो यूनिक आ रहा है तो मोस्ट नहीं दैट वॉज द यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ एवरी वन दैट द बिग लिटरिंग डायमंड वॉज मोस्ट यूनिक यूनिक आ रहा है तो मोस्ट नहीं आएगा वॉज यूनिक ठीक है मोस्ट परफेक्ट नहीं होता दिस इज द परफेक्ट पीस ऑफ आर्ट मैंगो मोस्ट यूनिक नहीं यूनिक होता है ठीक है द मोस्ट यूनिक नहीं यूनिक क्वेश्चन होगा ठीक है नाउ रूल नंबर फोर्टी टू इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आप कंपैरिजन करते हैं जहां पर नो no लगा हुआ है ठीक है तो आप ध्यान दो ऑल ऑफ यू विल अग्री विद मी दैट नो प्रॉब्लम फेस्ड बाई आर इज एज ग्रेव एंड इंट्रैक्टेबल एज दिस प्रॉब्लम इज जब आप नो no प्रॉब्लम आपने कह दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी जैसी ये प्रॉब्लम है तो इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए ये एक झोला एक है ठीक है और जिसमें मैंने बहुत सारी बॉल्स डाल रखी हैं मैंने कहा कि देर इज नो बॉल एज फॉर एग्जाम्पल मान लो इसमें बहुत सारे प्लेयर्स पड़े हुए ठीक है थीके? तो मान लो मैंने कहा कि नो प्लेयर एज फास्ट हिम अब मैं इस झोले से ही उसी को निकालूंगा तो इनमें से एक है ना तो उसको मैं पहले एक्सक्लूड करूंगा तो अगर सिमिलर कैटेगरी में कंपैरिजन है तो आप एक्सक्लूड करोगे और उसके लिए आप क्या लगाओगे अदर सो इट विल बी all of you will agree with me that no other problem faced by our society is as grave and intractable as this problem is to so, hame exclude karna padega nahi to wo bhi include ho gayi usme ek to hai na jo nahi hai to pehle usko hatao jaise no method of making other people agree to your viewpoint is as effective as this method lekin ek method ek to hai na is method this method तो इसको पहले अलग करें, तो no other method aayega यहाँ। it is a well known fact the leopard is faster than all animals तो all Other होगा ऑल एनिमल्स नहीं ठीक है क्योंकि हम एलिमिनेट करना पड़ेगा उसको देर इज नो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दैटन आर दोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल ऑल अदर आपने यहाँ कर रखा है most सा, बाकी सारे स्पीसीज से ह्यूमन सबसे ज्यादा है नो हिल स्टेशन इज एज ब्यूटिफुल एज दार्जिलिंग मतलब कोई भी नहीं है अगर कोई नहीं है तो अरे पहले दार्जिलिंग को हटाओ दार्जिलिंग को हटा के तो नो अदर हिल स्टेशन आएगा यहाँ नो गर्ल इन सो एज योर डॉटर कोई भी नहीं है उसकी डॉटर तो है ना लेकिन तो उसको एलिमिनेट करेंगे पहले उसके लिए क्या लगाएंगे अदर नो मैन इन कंट्री एज रिच एज एजीज लेकिन वो तो है तो उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा तो उसके लिए आएगा नो अदर मैन इन आर कंट्रीज एज रिच एज ही एवरी वन अग्रीज गंगा इज द होलियस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स बाकी सारी रिवर्स हटा दो उनमें से गंगा है ठीक है

ठीक है अब इसमें एक चीज ये समझ लो कि uh... right, तो वी हैव डन दिस ठीक है जैसे एलिफेंट इज स्ट्रांगर ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स नहीं ऑफ ऑल अदर लिविंग एनिमल्स राहू इज मोर स्टूडियस देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ इज एज करेक्ट है रीता इज स्मार्टर देन एनी बडी नहीं देन एनी अदर बॉय देन एनी अदर स्टूडेंट इन हर क्लास ठीक है अब यूजिंग हिज वाइफ इज वर्स देन एनी अदर सन अ मैन कैन कमिट इन लाइफ ठीक है बोस इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर स्टूडेंट इन हिज क्लास ना वी टॉक अबाउट फॉर्मर लेटर और लेटर ठीक है देखो फॉर्मर मतलब दो की अगर बात करें जैसे मान लो मैंने लिखा यहां पर कि सोनाटा और टाटा दो की अगर बात कर रहे हैं तो सोनाटा मतलब ये फॉर्मर और टाटा मतलब लेटर तो सोनाटा और लेटर फॉर्मर और लेटर फॉर्मर मतलब पहले वाला लेटर वाला मतलब बाद वाला दोनों ही पोजीशन को रेफर करते हैं और लेटर आता है लेट से मतलब बाद में टाइम से संबंधित है लेटर ठीक है तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें में आई बॉट टू वॉचेज वन लास्ट ईयर एंड द अदर दिस ईयर आई लाइक द लेटर वन मतलब बाद वाली मतलब ये वाली ठीक है रोहित एंड रंजन राजन मेट मी लास्ट नाइट बट आई टू इनवाइट द फॉर्मर फॉर्मर मतलब रोहित को थ्री देर पीपल चार जने आए हैं तो उनके लिए लेटर नहीं लगा सकते क्योंकि फॉर्मर लेटर दो तक के लिए है तो लास्ट वन हो जाएगा लास्ट वन वॉज नन बट हिज लेटर से है लेट न्यूज तो लेट नहीं अभी हाल की न्यूज तो लेटेस्ट न्यूज आता है ठीक है लेटर चैप्टर लैकिंग इन इंटरेस्ट तो द लेटर चैप्टर नहीं बाद का चैप्टर सो दैटर चैप्टर इज लैकिंग इंटरेस्ट ठीक है लेटर चैप्टर इज केयरलेसली रिटर्न द लैटर चैप्टर इज केयरलेसली रिटर्न बाद वाला चैप्टर

ठीक है दिस इज द रूल नंबर फिफ्टी फाइव योर प्रपोजल हैज बीन फॉरवर्डेड टू हायर अथॉरिटी फॉर एडिशनल कंसल्टेशन के लिए तो फर्दर फार्दर नहीं फर्दर कंसिडरेशन ही लिव्स एट मच अ फर्दर प्लेस देन दिस दूर की जगह रहता है तो एट मच अ फार्दर प्लेस देन दिस कलकत्ता इज फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर दूर है डिस्टेंस है तो फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर आफ्टर दिस ही मेड नो फार एडिशनल रिमार्क्स तो फर्दर रिमार्क्स आएगा ठीक है आई मस्ट है रिप्लाई विदाउट फर्दर डिले तो एडिशनल डिले फर्दर डिले आ जाएगा ठीक है नाउ कमिंग टू द ओल्डर एंड एल्डर पार्ट ध्यान दीजिए ओल्डर रूल नंबर ओल्डर आता है आपका एज में बड़ा ठीक है एल्डर आता है जो आपका रिलेटेड है रिलेशन है जिससे उसके लिए आप एल्डर लगाते हो ठीक अगर सेंटेंस में आपके दैन लगा है तो आप ओल्डर लगाओगे तो लगा ध्यान रखिएगा

ठीक है ओल्डर और ओल्डेस्ट में भी वही है मेरे पांच सन में से आप बता रहे हो रुस्तम अपने पांच बेटों बेटे क्या हैं आपके रिलेशन में हैं सारे तो क्या होगा यहां कोई रिलेशन नहीं है तो क्या होगा ओल्डेस्ट दैट इज एंटोनियो द ड्यूक्स सन है सन है मतलब एल्डेस्ट द डैश मॉस्क अब इसमें कोई रिलेशन वाली बात नहीं है सबसे पुराना है तो क्या होगा ओल्डेस्ट मिस्टर स्मिथ इज द डैश यूरोपियन रेजिडेंट ऑफ जमशेदपुर तो कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर तो ओल्डेस्ट ठीक है तो वी आर ऑलमोस्ट हाफ कोर्स एंड हाफ चैप्टर हम लोग 50 परसेंट चैप्टर कवर कर चुके हैं अब हमारे पास फोर्टी सिक्स रूल्स uh, बचते हैं ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे uh, एक वीडियो भी हो सकता है दो वीडियो भी हो सकता है दैट विल यू विल नो ठीक है और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने uh, अभी तक कोर्स को परचेज नहीं किया है तो आप कोर्स को परचेज कर लीजिए ठीक है so, सो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे थैंक यू सो मच बाय